रहे थे। महाप्रभु जब नवद्वीप में जन्म हुए, कहते महाप्रभु बचपन में जैसे छोटा बच्चा रोते हैं, महाप्रभु भी रोया करते थे। लेकिन उनको जितने समझाए, लेकिन महाप्रभु का रोना बंद नहीं होता था। रोना कब बंद होता था? जब कुछ महिलाएं बैठ करके हाथ में ताली बजाते हुए कृष्ण कीर्तन करते थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जब कीर्तन करते थे तो महाप्रभु का रोना बंद होता था। यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं, संसार में हम सबके सब रो रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम सबके सब संसार में रो ही रहे हैं। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, ये रोना कब तक ये रोएंगे? बोले तब तक रोएंगे जब तक ये हरि कीर्तन नहीं करेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते चेत दर्पण मार्जनम। दूसरा जो ये बोले भव महादवाग्नि निर्वापण। इसलिए महाप्रभु, उन्होंने और कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं महाप्रभु, केवल एक ही ग्रंथ लिखे जिसका नाम शिक्षाष्टकम। केवल एक ही ग्रंथ महाप्रभु लिखा, और कोई ग्रंथ महाप्रभु नहीं लिखे। तो कारण क्या, महाप्रभु एक ही ग्रंथ क्यों लिखे हैं? और भी तो महाप्रभु ग्रंथ लिख सकते थे। इसलिए महाप्रभु शिक्षा दिया, बोले कलयुग का जो धर्म है हरि नाम संकीर्तन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जिसको कहते हैं, बोले कलयुग के बल ना आधारा सुमीरी सुमीरी रही पारा। इसलिए कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन, जिसको नारदीय पुराण में हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए उन्होंने तीन तीन बार, पहला लाइन में तीन बार, दूसरे लाइन में तीन बार, पहला लाइन में भगवान का नाम को छोड़ करके छोड़ करके छोड़ करके, दूसरे लाइन में नहीं 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 बोला हरि नाम छोड़ करके अगर और कोई उपाय से भगवत प्राप्ति की इच्छा करे तो कहते भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए यहाँ पर तीन तीन बार ये हरि नाम की ये बताए। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, कदी ये एक जो अष्टक उन्होंने लिखा है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते ये आठ जाम होता है, आठ जाम है पूरा 24 घंटा को, हाँ, तीन 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 घंटा करके पूरा आठ जाम है। आठ जामों में भगवान की आठ तरह का लीला है, हाँ? इसलिए कभी जो आठ जो श्लोक है, कभी आठ श्लोक नहीं, ये आठ जाम है। और ये आठ जाम में जीव कैसे धीरे 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 जीव भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? कभी प्रथम श्लोक में भी आठ स्टेजेस हैं और पूरा श्लोक में भी आठ स्टेजेस हैं। जैसे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का आठ स्टेजेस उन्होंने बताया है, हाँ? पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। जैसे उसमें आठ स्टेजेस हैं, कभी आठ श्लोक में भी ये कैसे एक जीव धीरे 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 भगवत प्राप्त करेगा, ये एक श्लोक में भी आठ स्टेजेस भी इसी में बताए गए। इसलिए और इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल एक ही सी शिक्षाष्टकम् ग्रंथ केवल लिखे। इसलिए दूसरे में कहते चाहिए तो दर्पण मार्जनम, तो दूसरा लाइन ही है, बोले भव महातावाग्नि निर्वापणम्।
ये हरिनाम संकीर्तन से क्या मिलेगा? बोले संसार में कति दावाग्नि कत भव महादावाग्नि, केवल दावाग्नि नहीं, कई साधारण कई आग लग जाए ना वो फायर ब्रिगेड से हम बजा देंगे, लेकिन पानी में आग लग जाए, जंगल में आग लगे, फिर वहां फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। इसलिए बोले भव महादावाग्नि, पता नहीं कब से हम भगवान से भूल करके इस संसार में आए, कब से ये दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, लेकिन कब ये संसार समुद्र से ये दावाग्नि कब बुझेगा? बोले तभी बुझेगा जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करेंगे तब जीवन का सारे दुख दूर हो जाएगा, जीवन का सारे दुख कष्ट। इसलिए निर्वापनम, निर्वापन का मतलब होता है जैसे कहीं आग लगी बुझा दिया, फिर भी तो आग लग सकती है, लेकिन अगर कोई हरिनाम संकीर्तन करे तो वो ऐसे संसार रूपी आग ऐसे बुझ जाएगी, कभी जिंदगी में फिर दूसरा बार कभी आग लगने का कोई चांस नहीं। मतलब जब एक बार भगवत प्राप्त करेंगे फिर दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु बचपन में जब रोते थे, महिला जब ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम सुनकर वृंदावन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद, इसलिए टीका में श्री प्रभुपाद बोले कारण क्या, बोले कारण यही है, तभी हमारी रोना बंद होगा, तभी हमारे दुख कष्ट समाप्त होगी जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेंगे। कहते महाप्रभु जब थोड़ी सी और बड़े हुए, महाप्रभु का एक रुचि परीक्षा होता है। रुचि परीक्षा का मतलब है बचपन में बच्चे को सामने कुछ सामान रख देते हैं, छुरी छतरी सोना दाना कुछ चीज रख देते हैं, जब वो बच्चा केवल घुटन पर चलना सीखता है उसको छोड़ देते हैं, वो बच्चा जिस चीज को पकड़ ले वो चीज पता चलता है इसका भविष्य क्या है। तब महाप्रभु का रुचि परीक्षा हुई, तरह तरह का सामान रख दिया, वहां पर श्रीमद भागवत ग्रंथ भी रखे, लेकिन महाप्रभु घुटन में चलते चलते कोई सोना दाना छतरी कोई चीज को धारण नहीं किया, महाप्रभु सीधा गए श्रीमद भागवत को आलिंगन किया। प्रभुपाद भी, प्रभुपाद का रुचि परीक्षा में भी प्रभुपाद भी भागवत ग्रंथों को ही उन्होंने आलिंगन किया था। इस चीज को देख करके सबको पता चला भैया ये बच्चा बड़ा होकर के ना जगत में ये भागवत धर्म को प्रचार करेगा, हाँ ये भागवत धर्म को प्रचार करेगा। कहते भागवत क्या है? बोले अर्थायम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवृणित। बोले जो भागवत है जितने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, हाँ वेद उपनिषद पुराण जितने सारे शास्त्र का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत है। कत तद रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति को चित। जब एक बार कोई ये भागवत भक्ति रस को आस्वादन कर ले
फिर उनको और किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती है। इसलिए भागवत को बताए बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। बोले ये भागवत नहीं कदी ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें गुठली भी नहीं केवल जिसमें रसी रस है। इसलिए कहते भैया खूब पियो इसको खूब पियो। बोले आप बता दिया ये फल है, फल को तो खाते हैं फल को थोड़ी पीते हैं, फल खाते हैं ना। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, फल को थोड़ी पीते हैं फल को खाते हैं। बोले भैया ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें गुठली भी नहीं है जिसमें केवल रसी रस है हाँ? और वो ऐसे एक दिव्य फल है जैसे फल को हम तो खाते हैं मुंह से लेकिन जैसे अभी वो रस को हम भी खा रहे हैं लेकिन किधर से खा रहे हैं बोले कानों से। ये ऐसे एक रस है जिसको मुंह से खाया नहीं जाता जिसको कानों के माध्यम से जिसको केवल पिया जाता है जिसको कानों के माध्यम से। इसलिए बोले खूब ये रस को पियो हाँ खूब ये रस को पियो। बोले भैया कब तक पियेंगे बोले पी 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 कर जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो। कहते पी पी करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो ना बोले तब तक पियो। बोले फिर जब उठेंगे बोले फिर पियो। इसलिए जैसे कि शराब भी होता है ना वो शराब पी 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 करके हाँ पी पी कर जब तक वो बेहोश नहीं होता तब तक पीता जब फिर उठता फिर पियो। कभी जगत का जो शराब उसका नशा तो उतर जाती है लेकिन जो भक्ति की जो नशा ये कभी उतरते नहीं। ये नशा तो केवल बढ़ती रहती है ये नशा कभी उतरती नहीं रसा बढ़ती है। और ये रस को जो पान कर लेना हाँ अब जगत में देखना अगर पिता शराब पीता है वो कभी भी अपना बेटा को नहीं बोलेगा भैया तू ये शराब पियो। बोले बेटिया तू बच करके रहो मैंने पी करके जीवन बर्बाद कर दिया। अपना बेटे को कभी नहीं बोलेगा तू इसको पियो। लेकिन ये भक्ति रस को जो पी लेता है हाँ हाँ जो पी लेता है ना बोले बेटा तू भी एक बार पी कर दे। बोले बेटा तू भी एक बार पी कर दे। बेटी को भी बोला भाई तू भी एक बार पियो हाँ केवल इतना नहीं पूरा परिवार को बोलेगा भैया तू भी एक बार पी करके देखो। अगर कोई नहीं पिएगा ना पकेट से पैसा खर्चा करके पिलाएगा हाँ पकेट से पैसा खर्चा करके पिलाएगा। ये नशा ऐसे के नशा है। इसलिए श्रीमद महाप्रभु उन्होंने जाकर के श्रीमद भागवत ग्रंथ को उन्होंने पकड़ा जाकर के बोले भैया अगर ये अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूपम अगर ये भवसागर से तुम पार होना चाहते हो बस केवल एक ही काम करो बोले श्रीनताम श्री कृष्णम कथा केवल ये भागवत कथा रस को केवल पीतो पियो। बोले भैया इसको कौन पी सकते हैं बोले इसको कौन पी सकते बोले सभी नहीं पी सकते केवल दो व्यक्ति ये रस को पी सकते हैं। बोले कौन कौन है बोले एक रसिक है और एक भावुक है। कहते केवल ये दो व्यक्ति ये रस को पी सकते जो रसिक और केवल भावुक मतलब बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। कहते जन्म जन्मांतर का जब कोई पुण्य उदय होता है तभी जीवन में ये रस कोई पी सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर केवल ये भागवत को ही आलिंगन करते हैं सिखा देते भैया अगर तुम ये भवसागर से पार होना चाहते हो जीवन में असली रस को अगर पान करना चाहते हो ये भागवत कथा को सुनो। इसलिए श्री नताम श्री कृष्णम कथा जिस कथा को नित्य निरंतर जिस कथा को मुहु रहो मतलब निकलना नहीं उसमें डूबे रहो केवल उसमें डूबे ही रहो उसमें हाँ? इसलिए महाप्रभु और जब थोड़ी सी बड़े हुए मतलब एक विप्र था जिसका नाम था तैथिक विप्र कहती जन्म जन्मांतर के ये हाँ ये जन्म जन्मांतर के ये भगवान के भक्त है। इसलिए महाप्रभु जब आए कृष्ण जब महाप्रभु रूप में आए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षदसियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करि वारि दान
देखाए शरणागति भक्ति र प्राण। इसलिए जब वही कृष्ण जब महाप्रभु का रूप में आए पूरा धाम और परिक्रमा को लेकर के आते हैं, हैं? महाप्रभु एक समय महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे महाप्रभु हैं, एक दिन महाप्रभु इच्छा है मेरा भक्त है इसको दर्शन दो। एक दिन महाप्रभु की इच्छा से वो ब्राह्मण भ्रमण करते करते श्री जगन्नाथ जी के मिश्र को घर में आए। जब उनके घर में आए तो घर में कोई साधु संत आते हैं ना, हमारा भारतीय जो शिष्टाचार है हाँ जितना दूर हो सके संतों का सेवा करनी चाहिए। अगर संत लोग भक्त कोई वैष्णव घर से विमुख होकर चला गया, अगर कुछ नहीं लिया उसको कुछ नहीं दिया तो कद सतत पापम दत्ता पुण्यम आदाय गच्छति, कहते वो सारे पाप को देख करके हमें सारे पुण्य लेकर चला जाता है। हाँ ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर घर में कोई साधु आ जाए घर में हाँ, अगर उनको भोजन कराया उनको बैठने के लिए दिया, हमारे नंद बाबा का घर में जब श्री गर्गाचार्य आते हैं नंद बाबा क्या कहते हैं, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। बोले साधु हमारे घर में क्यों आते हैं, क्या कारण से, क्या हमसे पैसा लेने के लिए आते हैं? कहते नहीं, कहते हमें जगाने आते हैं, हमें जगाने आते हैं। बोले किस चीज को जगाने आते हैं? कहते हम भगवान से कसम खा करके आए थे। बोले प्रभु हमें ये मानव शरीर दे रहे हो जरूर तेरा हम भक्ति करेंगे, लेकिन हम ये भक्ति का हम भूल गए हैं, भूल करके संसार का केवल सवेरे उठते ही एक गृहस्थी क्या चिंता करता बताओ, घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, तेल है कि नहीं, घर में हाँ घर में आटा है कि नहीं, सवेरे से लेकर शाम तक दिमाग में यही चीज भटकता और कुछ नहीं भटकता दिमाग में, केवल यही चीज। लेकिन वो भगवान से बोल करके आया था प्रभु तेरा मैं भजन करूंगा। इसलिए भक्त इसलिए आते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, जीव जाग गोरा चंद बोले कत निद्रा जाओ माया पीसा चीर कोले, भजी बोली आए से संसार भितरे भुलिया रहिले तुम्ही अविदार भोरे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते भैया जगो कब तक सोते रहोगे, बहुत तुमने सो लिया माया की नशा में, तुमने बहुत सो लिया, अभी तो जगो, अभी तो भजन करो। तुम भगवान से क्या बोल कर आया था भजन के लिए, बोल रहा ना ये मानव शरीर दे रहे हो तेरा भजन करूंगा, कितने भजन कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर श्री नंद बाबा कह रहे हैं आज मेरे गृहस्थ धर्म सार्थकता हो गया, क्योंकि आज घर में संत आए, घर में संत आए। इसलिए नंद बाबा जब वो तैथिक विप्र आए उनको स्वागत किया, स्वागत करके आसन देकर बैठाए, उनका चरण धोए, बोले मेरे घर में आज भोजन करना। बोले देखो मैं सोपा की हूँ, सोपा की मतलब है हम किसी का हाथ का बनाया हुआ मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल अपना हाथ में बना करके अपना ठाकुर जी गोपाल जी को भोग लगाता हूँ, उसको प्रसाद पाता हूँ। बोले कोई बात नहीं, हम सारे साग सब्जी चावल दाल रख देते हैं, आप बढ़िया रूप से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। उन्होंने बड़े सुंदर प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी गोपुन को गोपाल जी है तुलसी पता दे करके गोपाल मंत्र से उनको भोग लगाया। जो नियम है भोग लगाने का बाद फिर मंत्र को जप करना पड़ता है, भोग लगा करके जप करना पड़ता है। इसलिए जब जप कर रहे थे ना, लेकिन उनको गोपाल अभी तो महाप्रभु बन करके आए, अभी उनकी मन में इच्छा है ये मेरे जन्म जन्मांतर का भक्त है इनको मैं दर्शन दूं। जब वो मंत्र जप कर रहे थे इतने में महाप्रभु धीरे 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 आए और जो भोग लगा रहे थे ना खाने लग गए। जो खाने लग गए, जो आंख खोली उन्होंने हाय हाय करने लग गए, अरे आज ठाकुर जी को मैंने भोग लगाया, ठाकुर जी खाना नहीं खाए, अरे बच्चा ने आकर खाना खा लिया, हाँ झूठा कर दिया, वो हाय हाय करने लग गए। इतने में जगन्नाथ मिश्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले बड़ा चंचल बालक है,
ठाकुर जी को खाना नहीं गया, तुमने झूठा कर दिया। डंडा लिए और महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े, और महाप्रभु तो वहां से भाग गए। फिर ब्राह्मण ने कहा, देखो देखो जगन्नाथ मिश्र, जब किसको अंदर में तब भी उसको शासन करना सही है जब अच्छा बुरा ज्ञान हो जाए। वो तो अभी छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं अच्छा किया बुरा किया, उसको पता ही नहीं, उसको मार कर कोई लाभ नहीं। देखो लगता है ठाकुर जी मेरे भाग्य में लिखा नहीं है, हाँ मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए कोई चिंता मत करो, मेरे को कुछ फल फूल दे दो, ठाकुर जी भोग लगा कर खाना खा लूंगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बोले, नहीं, अगर हमारा घर में कोई अतिथि आए और उन्होंने खाना नहीं खा पाए, इसलिए बड़ा अपराध है, इसलिए अगर हमें अपना दास मानते हो और एक बार खाना बनाओ, हम सब कुछ तैयारी करके दे देते। जब सबके सब प्रार्थना की, बोले ठीक है और एक बार बनाता हूँ। फिर जब दो बार बनाए, फिर ठाकुर जी को भोग लगाए, महाप्रभु कहाँ थे जब भोग लगाए ना, फिर महाप्रभु आकर खाने लग गए। उन्होंने तो देख करके हाय हाय करने लग गई, ये बच्चा फिर आकर के चंचल बालक मेरे ठाकुर का प्रसाद को झूठा कर दिया। जगन्नाथ मिश्र को तो इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, बोले दो दो बार खाना को नष्ट कर दिया। उन्होंने डंडा लिया और मारने दौड़ी, महाप्रभु भाग गए बाहर। फिर लोग जगन्नाथ मिश्र को सांत्वना की, हाँ सांत्वना करके फिर उनको सांत्वना दी। इतने में महाप्रभु का जो बड़े भाई जिसका नाम था विश्वरूप, वो साक्षात बलदेव प्रभु है, वो गए थे स्कूल में पढ़ने, पढ़ करके जब अंदर में आए, वो साक्षात विश्वरूप है, वो बलराम है। बलराम नाम क्यों पड़ा? बल मतलब सारे बल का अधिष्ठान देवता, राम मतलब बहुत सुंदर है। वो अभिन्न बलदेव प्रभु जो आए ना, क्या शरीर में तेज है उनके शरीर में, क्या सुंदर विश्वरूप है, अपूर्व सुंदर, क्यों दाऊ भैया है ना, दाऊ भैया है, बहुत सुंदर थे। इसको देख करके, क्योंकि जन्मा जन्मांतर का भक्त है, उनको देख करके भैया भैया ये बच्चा किसकी बच्चा है, इतने सुंदर किसके बच्चा है, बोले ये जगन्नाथ मिश्र की बच्चा है, इनके ही बेटा है। बोले इतने सुंदर लाला, जिसको घर में इतने सुंदर बेटा है, उनका जीवन तो धन्य उनका जीवन है, हाँ इतने सुंदर बेटा। लेकिन उन्होंने जब आए, देखा परिवार के सब लोग दुखी होकर बैठे, क्योंकि घर में एक साधु आए, लेकिन दो दो बार खाना बनाए, लेकिन उनको भोजन नहीं मिला, इसलिए बड़े दुखी होकर के बैठे हुए। फिर बलदेव श्री विश्वरूप ने कहा, क्या बात, बोल ऐसे ऐसे बात है। फिर विश्वरूप ने जाकर के वो तैथिक विप्रभु चरण में प्रणाम किया, बोले अगर आप हमें अपना दास मानते हैं, इसलिए आप और एक बार खाना बना दो, और एक बार खाना बनाओ, देखो हमारा पूरा परिवार दुखी दुखी है, और एक बार खाना बनाओ। जब उन्होंने प्रार्थना की, इनकी प्रार्थना से उन्होंने फिर एक बार खाना बनाया, बोले देखो इस बार उसको घर में बंद कर देते हैं, ताला बंद कर देते हैं उसको। फिर महाप्रभु घर में ताला बंद कर दिया, ताला बंद करके भोग उन्होंने अपना, अभी रात हो गया क्योंकि दो बार बना चुके हैं खाना, अभी तीसरे बार खाना बनाने जा रहे हैं, अभी हो गया रात अंधकार। इतने में जब उन्होंने भोग लगाने गए ना, महाप्रभु ने अपना जोग माया भुलाया, जोग माया से सबको उन्होंने सुला दी, सब सो गए। फिर जब उन्होंने भोग लगाए, फिर महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, प्रकट होकर फिर खाने लग गए। जो तीसरा बार खाने लग गए, फिर हाय हाय करने लगे, ये चंचल बालक आज मेरा सब नष्ट कर दिया, तीन तीन बार ठाकुर जी को भोग लगाए, तीन तीन बार बर्बाद कर दिया। जब इतने बोले, इतने में महाप्रभु बोले, तुम चिल्ला रहे क्यों, तुम मेरे को बुलाते हो, अरे जब मैं खाने लगता हूँ तुम चिल्लाते हो। बोले बोले भैया तो है कौन, तो महाप्रभु ने वहां पर अष्टभुज का दर्शन दिया, बोले देखो मैं कौन हूँ। उन्होंने कहते शंख चक्र गदा पद्म, ये चार हाथ में, और एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में खा रहे हैं, और दो हाथ में बंसरी बजाते हैं। उन्होंने उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, और उन्होंने दर्शन दिया दिव्य वृंदावन दर्शन दिया, अपराकृत जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम का दर्शन दिया, जहाँ सुंदर जमुना कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर कदम का वृक्ष है उसको नीचे प्रभु खड़े हुए मीठी मीठी बंसरी बजा रहे हैं,
कोई लिखू को कर रहे हैं, मयूर के का कर रहे हैं, जहां पर बेली चमेली सुंदर सुंदर पुष्प की सुगंध से चतुर्दिग उन्माद हो रहे हैं, जहां पर दिव्य कल्प वृक्ष है, जहां पर चिंतामणि भूमि, जहां पर फल फूल से एकदम लदे हुए से वृंदावन धाम चिन्मय अपराकृत धाम उन्होंने दर्शन दिया है, अद्भुत उन्होंने दर्शन दिया उनको। जब दर्शन दिए फिर तो ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो गए, बोले मेरे प्रभु यही पर जन्म हो गए, मेरे प्रभु को मैं अभी तक पहचान नहीं पाया। फिर तो महाप्रभु दर्शन देख रहे बोले देखो बेटा तू मेरे जन्म जन्मांतर का तुम दास, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में जन्म लिया था तब भी मेरे घर में तुम आया था, उसी समय भी मैंने खा तुम्हारी प्रसाद को खा करके तुम्हें दर्शन दिया, उसको याद करो। अभी मैं वही गोपाल हूँ, अभी कलयुग में ये निमाई बन करके आया हूँ। देख बेटा ये जो अवतार मेरी अवतार ये प्रचन्न अवतार है, प्रचन्न अवतार मतलब है इसी अवतार में मैं अपना को किसको नहीं बताऊंगा, मैं भगवान हूँ, छुप करके मैं आया हूँ। जब तक इस जगत में मैं रहूंगा तब तक ये बात किसको तुम बताना नहीं, अगर बताओगे तो जान से खत्म कर दूंगा। महाप्रभु उनको मना कर दिया ये बात नहीं बताना किसी को। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु फिर अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हुए वहां पर जितने प्रसाद था ना जितने खाना उन्होंने लेकर के सारा शरीर में लगा लगे, क्योंकि ये भगवान का अधरामृत है, ठाकुर जी स्वयं उसको पाए हैं, इसलिए सारे प्रसाद को सारे शरीर में पुतने लग गए और कृष्ण प्रेम में इतने उन्माद इतने पागल हो गए, हाथ उठा करके नाचने लग गए प्रेम में, आनंद हृदय में समाया नहीं, आज मेरे ठाकुर जी का दर्शन किया मेरे कितने सौभाग्य है। कीर्तन करते करते बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि जय। एकदम प्रेम में नाच रहा था, इतने में भगवान जो जोग माया में सबको सुला दिया था ना, फिर उन्होंने सबको फिर जगा दिए। जब जगा दिए जगन्नाथ मिश्र सची माँ श्री विश्वरूप सब सो गए थे, उनको नींद खुली, बोले भैया ब्राह्मण का भोजन किया कि नहीं, देखो आकर के जब आए ब्राह्मण तो प्रेम में उन्माद होकर नृत्य कीर्तन कर कीर्तन कर रहा था, उन्होंने फिर छुपा दिया, क्योंकि भगवान ने बोले देख बेटा जब तक इस दुनिया में रहूंगा तब तक किसको बोलना नहीं। फिर उन्होंने अपना को प्रेम को संवरण कर दिया, फिर उन्होंने प्रसाद पाए। अभी सोच रहा है बोले देखो मेरे प्रभु अभी महाप्रभु रूप में आए, ये गौरव निमाई बन करके मेरे प्रभु आए, लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं मेरे प्रभु भगवान बन करके आए, उनको इच्छा करता है दुनिया को सबको बोल दूं,
क्योंकि इसको पता नहीं, वो सोच रही साधारण बालक है, लेकिन ये बालक नहीं भगवान है। मैं दुनिया को बता दूं, हाँ ये कृष्ण जन्म लेकर क्या है। फिर सोचता है नहीं, महाप्रभु ने मना किया मेरे को, हाँ महाप्रभु मेरे को मना किया। फिर उन्हें वहां से और गई नहीं, महाप्रभु घर का आसपास में रहे और रोज आकर के महाप्रभु का दर्शन कर जाते, प्रणाम कर जाते। देखो वही गौरव गोपाली अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। ऐसे ही महाप्रभु बचपन में बड़ी प्यारी प्यारी, बड़ी मीठी मीठी, बड़े अद्भुत उन्होंने लीला की है। इसलिए महाप्रभु का तो बहुत बहुत सारे लीला श्री चैतन्य महाप्रभु का। आज हम सोच रहे थे महाप्रभु की कथा पूरा ही पूरा सुनाएंगे, लेकिन आज दो तिथि है इसलिए और था जीव गोस्वामी बावन देव का कथा सुन लेते हैं। इसलिए अगर फिर मैं जब दोबारा फिर आऊंगा, फिर जो कथा यहाँ छोड़ रहा हूँ फिर उसको बाद में फिर कभी अगर आएंगे तो फिर कथा सुनाएंगे, सारी महाप्रभु का कथा सुनाएंगे। ठीक है, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए कभी श्री जीव गोस्वामी का भी आज तिथि है, आविर्भाव तिथि श्री हाँ श्री जीव गोस्वामी का। कभी जो जीव गोस्वामी कभी कौन है, इसलिए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम साहब करी। इसलिए कहते महाप्रभु जब आए पूरा अपना निकुंज जो कानन है, जो निकुंज गोलोक वृंदावन का जो निकुंज मंदिर को उन्होंने उतार दिया, हाँ सारे निकुंज मंदिर को उन्होंने उतार दिया। इसलिए जितने सारे मंजरी सखियां गोपियां ये सब के सब महाप्रभु की लीला में आए हैं। इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में ये विलास मंजरी है, जो कि महाप्रभु की लीला में कहते ये कौन है, कहते श्री जीव गोस्वामी हैं। ये जीव गोस्वामी विलास मंजरी है। कहते भैया विलास मंजरी मतलब क्या है, ये विलास मंजरी मतलब क्या होता है। बोले मतलब होता है ये संस्कृत शब्द है, हाँ लसत मतलब होता है इच्छा, लसत मतलब होता है इच्छा, हाँ जिसने महाप्रभु की इच्छाओं को वह राधा कृष्ण की इच्छाओं को जो प्रकट करते हैं। कहते मंजरी सखियां कौन है, बोले ये और कोई नहीं, ये कृष्ण ही, ये राधा जी रूप में प्रकट हुई, राधा जी ही एक एक भाव को ये एक एक सखी और उन्हें मंजरी का रूप दिया है, ये और कोई नहीं, ये सब सखी मंजरिया सब राधा जी के एक एक ये भाव है। इसलिए लसत मतलब होता है इच्छा, जिसने कृष्ण की इच्छाओं को राधा जी की इच्छाओं को जिसने जगत में प्रचार किया है। अभी प्रश्न है बोले भैया राधा जी की क्या इच्छा, क्योंकि गोपियां कौन है, बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, ये और कोई नहीं, ये आनंद चिन्मय रस की ये एक एक प्रकाश है, राधा जी की एक एक प्रकाश है। अभी प्रश्न है भैया राधा जी की क्या इच्छा है, कहते राधा जी की क्या इच्छा है, बोले इनकी इनका नाम ही राधा है, राधा मतलब है बोले अनयाराधित नुनम, जो कृष्ण की सारी इच्छाओं को सारी सेवा को जो करती है। इसलिए राधा जी शरीर में जितना वस्त्र है ना, कहते राधा जी कान में जो कुंडल पहनती है, कुंडल क्या है, बोले कुंडल कुंडल नहीं, बोले कृष्ण कीर्तन है। जिनको कान में कृष्ण कथा छोड़ करके जिनको कान में और कुछ प्रवेश ही नहीं करती है, हाँ? राधा रानी आंख में काजल पहनती है, बोले भैया किस चीज की काजल है, बोले कृष्ण दर्शन की काजल है। बोले जिनका आंखों में कृष्ण की कृष्ण को छोड़ करके जिनको आंखों के सामने और कुछ भी नहीं दिखती है, इसलिए उनका नाम श्यामा, मतलब कृष्ण रंग में जो डूबी हुई है पूरा का पूरा, हाँ? इसलिए ये राधा रानी है। कहते राधा रानी जो वस्त्र ऊपर का जो ओढ़नी ओढ़ती है कौन सा रंग थी, बोले हम जैसे पहन देखो ये कौन सा रंग है, कहते गुलाल रंग की, इसलिए गुलाल रंग की, हाँ गुलाल रंग की। बोले गुलाल रंग क्या है, बोले अनुराग, मतलब कृष्ण अनुराग की साड़ी ऊपर में ढकी हुई रहती है, कृष्ण अनुराग की। कहते नीचे का जो वस्त्र है बोले नील बसना गौरी, और नील वसन है, बोले नील वसन क्यों, बोले जो कृष्ण का जो रंग है वो नील रंग है। इसलिए एक राधा रानी कृष्ण भक्ति को द्वारा वो कपड़ा नहीं, मतलब कृष्ण रंग से जो रंगी हुई,
इसलिए नील वसना गौरी रूपे गुण धन्य, इसलिए इनका नाम ही राधा है जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करती है। इसलिए राधा जी इच्छा क्या है, बल्कि इनकी इच्छा है हम कैसे कृष्ण को सुख प्रदान करें, हाँ कृष्ण को हम आनंद कैसे दे। इसलिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इसलिए जीव का जो स्वरूप है सबके सब कृष्ण का नित्यदास हम है, कृष्ण सेवा ही जीवन का सब कुछ है। इसलिए कभी जीव गोस्वामी ने उन्होंने उनको इच्छा राधा जी की इच्छा ही ये कभी ये विलास मंजरी और ये जीव गोस्वामी बनकर उन्होंने क्या किया जगत में, यही कृष्ण भक्ति को उन्होंने प्रचार करते। इसलिए इनका नाम जीव, जीव गोस्वामी। बोले जीव मतलब क्या है, बोले जीव मतलब होता है बोले जीव यति इति जीव, जीव को जो जीवन प्रदान करे, हाँ जीवन को, जीव को जो जीवन प्रदान करे। जीव का जीवन क्या है, ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, बोले जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है भगवान की भक्ति, हाँ केवल भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, भगवान का भजन ही जीवन का केवल एक उद्देश्य और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए उन्होंने जीव मतलब जीव को जो जीवन प्रदान करते ये जीव यति इति जीव, हाँ जीवन को जो जीवन प्रदान करे और जीना जो सिखाए कदी ये जीव है, हाँ। इसलिए इन्होंने बोले प्रश्न है उन्होंने क्या जीव को क्या जीवन दिया है, हमें क्या जीवन उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए कहते महाप्रभु जैसे राधा जी की एक एक भाव ही कहते जैसे एक एक गोपी रूप धारण किए हैं, कहते उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की एक एक इच्छाओं को ये गोस्वामी ने पूर्ण किया है। इसलिए बोले रूप गोस्वामी को कौन है, कहते रूप गोस्वामी को बताया हमारे संप्रदाय में कि रसाचार्य है, कहते रस का आचार्य है, हाँ। इसलिए कहते जीव गोस्वामी कौन है, बोले ये सिद्धांत का आचार्य है। इसलिए हमारे श्री हाँ एक भक्त लोचन दास ठाकुर साहब वो एक भजन गाते हैं बोले एल गौर रस नदी कादंबिनी होए भासाई लगौर देश प्रेम वृष्टि एल गौर रस नदी कादंबिनी होए भासाई लगौर देश प्रेम प्रीति और होड़ शब्दे आइला श्रिया द्वैत चंद्र जल रस धारा ताहे राय रामानंद कृष्ण दास कविराज दशरथ भंडारी जतने राशिल प्रेम हेम कुंभधारी। ये भजन में कहते श्री लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु का जो एक एक जो भक्त है इन लोगों ने महाप्रभु की इच्छा को किस रूप में पूर्ण की है। ये श्लोक में जो कीर्तन बहुत अद्भुत कीर्तन उन्होंने बताया, ये रूप गोस्वामी क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया, राय रामानंद कौन, ये जीव गोस्वामी कौन, ये इन लोगों ने क्या किया महाप्रभु का किस किस रूप में सेवा की, कहते ये भजन में उनके विषय में कहते मतलब भैया जीव गोस्वामी कौन है, जीव गोस्वामी क्या सेवा किया, बोले जीव गोस्वामी को बोले बोले श्री जीव गोस्वामी कबे जीव गोस्वामी मोरे सिद्धांत सलीले खुचाई भे प्रेमानल जाहे चित जोले। तब जीव गोस्वामी के लिए कह रहे हैं ये जीव गोस्वामी क्या दिया, बोले हमारा हृदय में जो तर्कानल है, तर्कानल मतलब होता है हमारा हृदय में जो तरह तरह कंफ्यूज है, भैया भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, हाँ कहते जो अलग अलग जो फिलोसफी जगत में जैसे अलग अलग नासो मुनि जैसे मतव न भिन्न, जगत में वैसे कोई मुनि नहीं जिनका फिलोसफी अलग नहीं है, सबका फिलोसफी अलग अलग है। बोले छह फिलोसफी है भारत में, हाँ तरह तरह का फिलोसफी, उसमें
क्या है, जीव अलग अलग फिलोसफी में फंसा हुआ है। जीव हम भारत में जाओ यहाँ भी देखो, कोई जो कोई कर्म, कोई ज्ञानी, कोई भोगी, हाँ कोई योगी, सब अलग अलग, कोई निराकारवादी, कोई ब्रह्मवादी, कोई तरह 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 का फिलोसफी है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हमारी संप्रदाय का, वो कहते तत्वाचार्य है कि तत्वों का आचार्य श्री जीव गोस्वामी, हाँ इन्होंने तत्वों को स्थापन किया है, हाँ इसलिए तत्वों को, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, हाँ सिद्धांत बोली आचिते ना कर आलस, जहा है ते कृष्णा लागे श्रोदीढ़ मानस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे भैया ये सब फिलोसफी जानने का क्या जरूरत है, गुरुजन हरिनाम दिया माला जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरिनाम जप करो, फिर सब सिद्धांत की क्या जरूरत है, तत्व की क्या जरूरत है। नहीं, अगर तत्व को हम नहीं समझेंगे ना कि हरिनाम क्या है, हरिनाम क्यों करनी चाहिए, हरिनाम से हमें क्या मिलेगा, हरिनाम जप करने का लक्ष्य क्या है, जब तक ये चीज वो नहीं जानेंगे, जीव क्या, प्रेम क्या, कहते हमारा जो मन है ये हरिनाम में दृढ़ रूप में नहीं लगेगा। इसलिए श्री हमारे गुरुदेव कहते थे जिसको जितना ये फिलोसफी सुंदर रूप में पता है ना, ये फिलोसफी, उसका भजन उतना ही दृढ़ है, जिसको फिलोसफी जितना पता नहीं उसका भजन भी टमाटर है। बहुत लोग सारे चले गए, हाँ कहते बाबा जी दल में चले गए, हमारे भक्ति में आने का बात भी निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम कर रहे हैं, हाँ इसलिए उनको बुद्धि को बिगाड़ दिया बाबा जी ने, बिगाड़ दिया, कोई भक्ति में आकर कोई अलग संप्रदाय में चले गए। बोले क्यों, कारण है, बोले कारण है हमको ये सिद्धांत पता नहीं है, जब ये सिद्धांत हमें अच्छे तरह से पता चलेगा, हाँ अच्छे तरह से हमें पता चलेगा, हमारा भक्ति भी उतना दृढ़ बनेगी, हरि नाम भी उतना दृढ़ रूप में करेगी, नहीं तो हमारा चित्त डामा सब ये सही ना ये सही, वो व्यक्ति बोल रहा था ऐसे ऐसे, नहीं अमुक व्यक्ति बोल रहा था यही सही से, फिर क्या होगा, हमारा जो मन है कन्फ्यूज हो जाएगा, अगर कन्फ्यूज हो जाएगा जो व्यक्ति, फिर वो भजन कभी कर ही नहीं सकता है, दिमाग इधर उधर भागते रहेगा, भजन नहीं कर सकता। इसलिए जो जीव गोस्वामी को बोले हमारे ये तत्वाचार्य है, ये सिद्धांत का आचार्य है, इसलिए हमारे हृदय में जो तर्क और भी जो अनल आग जल रही है, वो आग को बुझाएगा कौन, बोले श्री जीव गोस्वामी आग को बुझाएंगे, हैं फिर तो हमारी भक्ति एकदम परिपक्व दृढ़ भक्ति होगी, नहीं तो भक्ति हमारी परिपक्व नहीं होगी, डामाडोल सा होगा, इधर उधर मन भटकता जा रहेगा, हाँ। इसलिए जीव गोस्वामी इन्होंने कहते ये 60 संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ लिखा, कब जितने सारे ग्रंथ पढ़ो हर ग्रंथ में आपको 3 ही चीज मिलेगा, एक मिलेगा संबंध और एक मिलेगा अभिधेय और एक मिलेगा प्रयोजन। सारे शास्त्र में जितने सारे आप ग्रंथ पढ़ो आपको ये 3 चीज छोड़कर और कुछ ही नहीं मिलेगा, आपको सारे शास्त्र में केवल यही 3 चीज, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान को पाने का मार्ग क्या है, और भक्ति करके हमें मिलेगा क्या, हम क्यों भजन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। सारे शास्त्र इसको छोड़कर और तीसरी चीज कहीं नहीं, कुछ नहीं, सारे चीज शास्त्र में यही 3 चीजें मिलेगी। इसलिए उन्होंने ये 6 संदर्भ लिखे, संदर्भ मतलब क्या है, बोले संदर्भ मतलब होता है जैसे सुंदर एक बक्सों के अंदर में जैसे हीरे जवाहरात जैसे रखा हुआ है, जैसे सुंदर एक बक्सों के अंदर में, संदर्भ मतलब जैसे बक्सा है लेकिन उसके अंदर में दिव्य रत्न रखा हुआ है, हाँ कभी ये भागवत को मूल ग्रंथ है, ये भागवत को, हाँ कभी सारे शास्त्र का निचोड़ भागवत है, लेकिन जो भागवत ग्रंथ है, जैसे उदाहरण दिया जैसे कि एक महल है, हाँ ये एक मंदिर है, अब ये मंदिर में घुसने के लिए कोई दरवाजा भी तो है ना, दरवाजा के बगैर अंदर में कैसे घुस सकते हो, दरवाजा नहीं है तो घुस नहीं सकते हो, हाँ बोले ये दरवाजा क्या है, कभी जो दरवाजा है जो 6 संदर्भ, कभी यही दरवाजा है, जब तो कोई 6 संदर्भ को नहीं पड़ेगा, ये भागवत रूपी जो महल है जो मंदिर है हम उसके अंदर में जा ही नहीं सकते, इसलिए ये 6 संदर्भ जाननी चाहिए। इसलिए उन्होंने
जो चार ही संदर्भ में उन्होंने केवल कृष्ण तत्व को वर्णन किया, कृष्ण को नहीं, परमात्मा को नहीं, ये ब्रह्म को नहीं, हम कृष्ण को कैसे भक्ति करनी चाहिए, हाँ कभी छह संदर्भ के द्वारा, कभी एक संदर्भ के द्वारा उन्होंने भक्ति को उन्होंने स्थापन किया है, जिसका नाम है भक्ति संदर्भ है, उसका नाम भक्ति संदर्भ है, क्योंकि भक्ति ही भगवान को प्राप्त कराने में, केवल भक्ति ही द्वारा ही भगवत प्राप्त हो सकता है, ज्ञान कर्म योग के द्वारा हम भक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कदे राम ही के बल प्रेम पियारा, भगवान केवल राम प्रेम चाहते और कुछ नहीं। इसलिए सबरी कहती है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दूर जोखन के में बत्यागे साग भी दूर घरे खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री सूरदास जी ये भजन को गाते हुए जगत जगत में बहुत संबंध है जगत में, लेकिन सबसे तरह तरह का बंधन है, ज्ञान का, योग का, कर्म का, लेकिन सबसे बड़ा बंधन क्या है, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम का संबंध जो सबसे बड़ा, सबसे जोरदार जो संबंध है, ये प्रेम का संबंध है। भगवान ये प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत हुए ठाकुर जी, और किसी चीज में वशीभूत नहीं हुए। इसलिए सूरदास जी ये एक एक उदाहरण देते हैं, बोले दुर्जोधन को मेवा त्यागे साग विद्रोह घर खाए। ठाकुर जी जब शांति दूत बनकर कृष्ण दुर्योधन घर में आए, उसने छापान भोग छत्र से व्यंजन बनाकर रखा था, बोले कृष्ण को खिलाकर हम खुश करते हैं, लेकिन त्याग ठाकुर जी किया। बोले कहाँ गए, बोले विदुर जी के घर में गए, विदुरानी देखा घर में कुछ नहीं, बोले केले, वो केला क्या खिला, केले का छिलका खिला रहे थे, केले बेच रहे थे। जब विदुर जी आए, बोले कर रहे हो क्या, ठाकुर जी आए तुम केले फेंक रहे हो, छिलका खिला रहे हो, वो तो एकदम प्रेम में बाबरी बन गई थी ना, उसको बुद्ध नहीं थी, ठाकुर जी को कैसे खिलाओ क्या करूं, हैं? जब उन्होंने फिर उन्होंने केला जब खिलाना शुरू की, बोले विदुर जी केले का छिलका में जो आनंद आ रहा था ना, अभी वो केले में वो आनंद नहीं आ रहा है, कहते मैं केला भी नहीं खाता हूँ, छिलका भी नहीं खाता हूँ, केवल तुम्हें प्रेम ही ग्रहण करता। इसलिए भगवान केवल प्रेम में वशीभूत ठाकुर जी होते हैं, हैं? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम द्वयम् जो मैं भक्ता प्रयच्छति। कृष्ण जो चार चीज का नाम लिया ना, बिना पैसा में जो, बिना पैसा का कृष्ण ये सिखा देते हैं, ऐसे नहीं कोई बहुमूल्य वस्तु मुझे प्रदान कर खुश नहीं, मैं तो केवल प्रेम की भूखे हैं। इसलिए पत्रम, पत्ता, फूल, फल और पानी, चार चीज कर जो बिना पैसा में मिलता है, मतलब तद भक्त ऊपर ही तस्नामी, ठाकुर जी प्रेम की भूखे ठाकुर जी है, कहते केवल प्रेम की मैं भूखा हूँ। इसलिए भगवान यहाँ पर प्रेम से केवल बस, इसलिए उन्होंने भक्ति संदर्भ में केवल भक्ति रे वै नयती, भक्ति रे वै दर्शयती, केवल भक्ति ही भगवान को दर्शन कराता है, भक्ति ही ठाकुर जी को पास में ले जाते हैं, कहते उसमें ये स्थापन किया। और एक संदर्भ लिखा जिसका नाम प्रीति संदर्भ, ये प्रीति संदर्भ में कहते हमारा जो प्रयोजन है, कहते हमारा क्या प्रयोजन है, बोला हमारा प्रयोजन प्रीति है, प्रयोजन हमारा प्रेम है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, प्रेम के बगैर जो जीवन है ये दरिद्र जीवन है, प्रेम के बगैर जीवन की कोई महत्व नहीं है, प्रेम ही जीवन। इसलिए उन्होंने ये छह संदर्भ में संबंध, अविध और प्रयोजन, कहते ये तीन चीज को उन्होंने, ये तीन छह संदर्भ उन्होंने स्थापन किया है। कहते श्री जीव गोस्वामी कहते ये बहुत सारे ग्रंथ लिखे, एक ग्रंथ लिखे है जिसका नाम हरिनाम, हाँ हरिनामामृत व्याकरण। इसलिए उन्होंने देखा जो संत बनेंगे शास्त्र तो पढ़ेंगे, लेकिन सारे शास्त्र तब भी सब श्लोक में, फिर इनको जैसे भक्ति में आ जाए ना, आप
संस्कृत पढ़ने के लिए जाओ, भक्त लोग नहीं चाहते, जो भक्ति में आ जाए वो अपना समय को बर्बाद करना नहीं चाहते, वो चाहते हमारा समय केवल भक्ति में बीते। उन्होंने ऐसे एक अद्भुत उन्होंने व्याकरण ग्रामर बनाए अद्भुत, जिसमें केवल कृष्ण नाम को दे दे करके, केवल कृष्ण नाम को दे दे करके संस्कृत पढ़ते जाओगे, तुम्हारी ज्ञान होती जाएगी और कृष्ण नाम होती जाएगी। अद्भुत रूप में वो व्याकरण बनाए, लेकिन वो व्याकरण को महाप्रभु ने ही, जब गया से वापस आए महाप्रभु, गुरु जी से दीक्षा मंत्र लेकर के जब महाप्रभु गया से वापस आते हैं, पहले से महाप्रभु बड़े विद्वान पंडित थे, लेकिन जब वापस आए ना वो और पंडित निवाए नहीं, अभी तो वो प्रेमिक निवाए बन गए। केवल भगवत नाम कीर्तन भक्ति में एकदम सरावर हुए महाप्रभु, कृष्ण रस में पूरा डूबे हुए महाप्रभु हैं। उन्होंने जब टीचर, महाप्रभु स्वयं टीचर थे, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए गए ना, सारे टीका सारे सूत्र वृत्ति में केवल कृष्ण 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 ही व्याख्या कर रहे थे, और कोई व्याख्या ही नहीं कर रहे थे हैं। इसलिए वह चीज को लेकर के श्री जीव गोस्वामी इन्होंने ये हरिनामृत व्याकरण बनाया, जिसमें केवल भगवत नाम को छोड़कर जिसमें और कुछ भी नहीं है, ये अद्भुत व्याकरण उन्होंने बनाया। और जीव गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु का टीका इन्होंने लिखे, उज्ज्वल नणिमणि का टीका इन्होंने लिखे है, बहुत सारे ग्रंथ जीव गोस्वामी की बहुत सारे ग्रंथ है। देखो हम लोग बड़े सौभाग्यवान है जो कि महाप्रभु को धारा में आए, हमारे गोस्वामी ने इतने ग्रंथ बनाए, हमें और कहीं भी हमें झोली फैलाने का जरूरत नहीं, कहीं किसी संप्रदाय में जाकर के हमें किस चीज की मांगने का जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु का भक्तों ने इतने ग्रंथ बनाए, वृंदावन में जो बड़े बड़े पंडित है हा? जो भागवत कथा करते, जब जीव गोस्वामी की रूप गोस्वामी की विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका को नहीं पढ़े ना, तब तक ये रस को बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। रस विषय में कोई कुछ बोले इनका मुंह भी नहीं खोलेगा रस विषय में, जब तक इनके ग्रंथों को कोई अध्ययन नहीं करते। इसलिए अद्भुत अद्भुत है, इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान ये महाप्रभु लाइन में आए, इसलिए हमको हर समय भगवत ग्रंथ में कितने ग्रंथ हमारी गिड़गिड़ खत्म नहीं करवाओगे। एक गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने कितने ग्रंथ बनाए, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है गोपाल चंपू, हाँ गोपाल चंपू, जिसे गोपाल चंपू ग्रंथ में उन्होंने, देखो व्यास देव ने भागवत बनाए, दसम स्कंध में जिसमें कृष्ण कथा को लिखे व्यास देव जी ने, लेकिन जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू ग्रंथ बनाए। आप पढ़ करके देखो भगवान की नई नई लीला उन्होंने बनाई। व्यास देव ने कहां पर उन्होंने भाव में आकर के जो क्रम है, जो कृष्ण ये लीला के बाद में ये लीला की, ये लीला के बाद में ये लीला के बाद ये लीला की, एक क्रम है ना, अगर कहीं वो भावावेश में आकर के क्रम को कहीं जिसको पहले बोलना चाहिए था उसको बाद में पहले उसको उन्होंने पकड़ लिया, बोले नहीं ये लीला पहले है ये लीला बाद में। व्यास देव जी भाव में आकर के क्रम को भूल गए, उसका जो गलती है ना ये दिखा दे, ये लीला के बाद में ये लीला होनी चाहिए। और जहां जहां पर भागवत में ऐसे कुछ कुछ शब्द है जिसको कभी कभी समझना कठिन है, जीव गोस्वामी ने इसको बड़े सुंदर रूप में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कृष्ण की नई अद्भुत लीला, उन्होंने कैसे बोलो कि वृंदावन में एक मध्युकंठ एक सिद्ध इकट्ठा हुए, जो जमलार्जुन है ना, जमलार्जुन जो भजन हो गया टूट गया, उसमें जो नल कुबेर और मुनि ग्रीव थे, उसमें जो नल कुबेर और मुनि ग्रीव थे उनको भगवान ने गोलोक वृंदावन में स्थान दिया। एक का नाम सिद्धकंठ, एक का नाम मधुकंठ है, उन्हें दो नाम है। कभी ये दोनों एक तो सवेरे कृष्ण लीलाओं को जब उनका दरबार लगता है नंद बाबा की, सवेरे कृष्ण का बाल्य चरित्र को एक सुनाते हैं और शाम को कृष्ण का जो श्रृंगार रस है कभी उसको एक शाम को वो कथा सुनाते हैं गोलोक वृंदावन में। वो क्या कथा सुनाते हैं, जीव गोस्वामी ये गोपाल चंपू ग्रंथ में वर्णना किया है अद्भुत रूप में। भाई कौन इसको वर्णना कर सकते था? जो वहां पर हो वही तो वर्णना कर सकते ना, क्योंकि ये कृष्ण लीला में बिलास मंजरी, ये राधा जी की एक ये प्रिय दासी है, इसलिए ये प्रिय दासी होने का नाते उनने सारे लीलाओं को वहां पर दर्शन किए, तभी तो कोई लिख सकता है ना, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी ने जैसे आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ है,
इसको कवि कर्णपुर ने ये आनंद वृंदावन चंपु लिखे पूरा कृष्ण लीला, कृष्ण कृष्ण लीला, अद्भुत कृष्ण लीला वर्णन किया। इसलिए क्योंकि हमारे जो गोस्वामियों ने ये जगत के कोई व्यक्ति है ही नहीं, हमारे गोस्वामी और तो गोलोक वृंदावन का निकुंज राधा रानी की निकुंज मंदिर से ही सबके सब आए हैं, इसलिए ये लोग कोई साधारण नहीं, इसलिए इनकी कृपा और इनकी कृपा से जब वृंदावन में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास रोज जय देते ना, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास जब ये तीनों वृंदावन में आए, ये जीव गोस्वामी की अनुगत्य में ही सारे ग्रंथ को बढ़े और इन्हीं की कृपा से बोले श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। कहते ये जो तीनों जो नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों हुए, ये जीव गोस्वामी की अनुगत्य में वृंदावन में सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और सारे ग्रंथ अध्ययन करके इनकी कृपा से ही ये श्यामानंद प्रभु को राधा जी की जो नुपुर मिला है। इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं बेटा सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलता है, बेटा सेवा किया करो। ये रोज जाकर के निकुंज में निधुवन में रोज झाड़ू लगाते थे, जो झाड़ू लगाते थे और राधा जी का नाम को ले लेकर के पुकार पुकार करके हे राधे मेरे ऊपर में कब तुम्हारी कृपा होगी, रो रो करके झाड़ू लगाया करते थे राधा रानी का नाम को लेकर के। तो राधा रानी इनके ऊपर कृपा करने के लिए चरण की नुपुर छोड़ कर जाते हैं। जब दूसरे दिन गए देखा जंगल में चमचमाते हुए सोने की नुपुर है, तो उन्होंने लाए अपना गुरु जी को दिखाया, बोले गुरु जी मेरे को ये सोने की नुपुर मिली। बोले बेटा ये राधा जी की चरण की नुपुर है और तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, देख बेटा अगर इसको कोई लेने आए ना मत देना, बोला जिनका नुपुर उनको ही उनको प्यार में पहनाऊंगा। और लास्ट में उन्होंने राधा जी स्वयं वहां पर आई है, राधा रानी वो अपना हाथों से राधा जी के चरण में ये नुपुर पहनाए। ये जीव गोस्वामी कृपा से ही ये श्यामानंद प्रभु राधा जी के दर्शन इनको प्राप्त हो गए और ये तीनों को जीव गोस्वामी ने गोस्वामी ग्रंथ दे करके ये तीनों को प्रचार करने के लिए भेजे और तीनों ने ही तीन देश में प्रचार किया है। कहते श्री श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में प्रचार किया है, कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते उन्होंने मणिपुर में प्रचार किया है और श्रीनिवास आचार्य जी ने बंगला में प्रचार किए है। ये तीनों ऐसे उनको चेला बने, जो तीनों चेले ने सारा दुनिया में हरि भक्ति को प्रचार किया और जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हुए वो स्वयं प्रेमावतार महाप्रभु जी, ये प्रेमावतार स्वयं थे, ये साधारण नहीं थे। इसलिए महाप्रभु जब जगत छोड़कर गए उन्होंने अपना प्रेम को पद्मा नदी में रख कर गए, मतलब देखो एक नरोत्तम दास ठाकुर नाम का एक महान पुरुष आएगा, ये प्रेम उनको दे देना। पद्मा नदी बोली मेरे को पता कैसे चलेगा, बोले वो इतने बड़े संत हैं इनकी चरण केवल तुम्हारी पानी से स्पर्श होते ही तुम्हारे हृदय में प्रेम अपने आप उपनेगा, समझना ये नरोत्तम दास ठाकुर है। और इन्होंने पूरा मणिपुर को बदला दिया, पूरा मणिपुर को उन्होंने, पहले उन्होंने राजा को उन्होंने चेला बनाया है, फिर राजा अगर चेला बन जाए सारा दुनिया चेला बन जाएगी। इसलिए महाप्रभु मंदिर को स्थापन किया जहां पर महाप्रभु आरती में 108 मृदंग एक साथ में बजती है, यहाँ पर देखना दो मृदंग बजे तो कैसे होता है और जहाँ पर 108 मृदंग बजे क्या आवाज उसकी, बोले ब्रह्मांड भेद दिया धनी पूरी आकाश, मानो उसका जो आवाज है विश्व ब्रह्मांड को एकदम भेद कर जाता है। अभी भी आप जाओ हाँ, आप लोग नवद्वीप में परिक्रमा भी जाते हैं ना, आप देखना कुछ हमारा जो देवानंद गौड़ी उसके सामने वो शायद मणिपुर का आश्रम, देखना अभी भी स्त्रियां नीचे सफेद कपड़ा ऊपर लाल कपड़ा पहनती, अभी भी वो मतलब उसका प्रभाव अभी तक ही है। घर घर में महाप्रभु का मंदिर, घर घर में कृष्ण कीर्तन, कला में कंठी, पूरा देश को अभी तक इतने बड़े प्रभाव शाले आचार्य नहीं हुए। जैसे हलाल में कुछ लोग परिवर्तन सबको नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तो सबको उन्होंने परिवर्तन कर दिया, सारे को परिवर्तन कर दिया, इतने इनके प्रभाव। कभी ये जीव गोस्वामी के अनुगत्य में ही इन लोगों ने ये सब के सब जीव गोस्वामी अनुगत्य में उन्होंने सब सब काम किए। इसलिए जीव गोस्वामी हाँ कहते इनकी ग्रंथ को हमें अध्ययन करनी चाहिए, हाँ अद्भुत अद्भुत इनका ग्रंथ है, हमारे गोस्वामी को तो बहुत ग्रंथ है। इसलिए हम लोगों को जैसे समय मिले तो समय को इधर उधर नहीं लगा करके ये गोस्वामी ग्रंथों को हमें अध्ययन करनी चाहिए।
इसलिए आज से जीव गोस्वामी की आज है तिथि है, इनका जन्म तिथि है। और जीव गोस्वामी बोल एक समय श्री रूप गोस्वामी जहाँ राधा दामोदर मंदिर है ना वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर वहीं पर बैठ कर भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे। इतने में बल्लभाचार्य जो बहुत बड़े आचार्य उस समय थे, बहुत ये बल्लभ को लिख बहुत बड़े आचार्य, इन्होंने आए बोले तुम क्या लिख रहे हो, बोले भक्ति रसामृत सिंधु। उन्होंने एक श्लोक को देख करके उनका मन में था कन्फ्यूज हो गए, बोले ये मंगलाचरण में ये क्या लिखा है, मंगलाचरण में तो कोई सुंदर श्लोक होनी चाहिए, तुमने ये क्या लिखे। बोले भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाच जावत हृदय वर्तते, उस श्लोक था बोले भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची जब तक किसका हृदय में रहेगा, बोले कृष्ण भक्ति कभी हृदय में आ ही नहीं सकती, ये श्लोक था। बोले मंगलाचरण में कोई अच्छा श्लोक लिखनी चाहिए, बोले जब तुम ग्रंथ बना दोगे ना मेरे को देना, हम करेक्शन कर देंगे। लेकिन जीव गोस्वामी वहां बैठ कर पंखा चला रहे थे रूप गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी का ग्रंथ करेक्शन करेंगे, ये साक्षात रूप मंजरी भूल तो होता है, ये बद्ध जीव में चार दोष होता है लेकिन मुक्त पुरुषों में ये दोष नहीं होता है, ये तो राधा जी की अंतरंग परिकर है, कद इनके ग्रंथ में संशोधन करेंगे। उन्होंने बहाना बना करके जब वो गए ना जमुना किनारे में, जमुना में बल्लभाचार्य उन्होंने बहाना बनाकर पीछे पीछे चले गए, जाकर के उन्होंने पूछा आप क्या देखे रूप गोस्वामी का, आपने बोले करेक्शन करेंगे, बोले ये मंगलाचरण में लिखा हुआ था भुक्ति और मुक्ति को उन्होंने पिशाच शब्द प्रयोग किया। हाँ पिशाच मतलब समझते ना, जैसे भूत जो हुई जिसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं पिशाच शब्द प्रयोग किया, इसलिए मैंने देखा मंगलाचरण में ये ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा देखो आपने श्लोक का ध्यान नहीं दिया है, आपने सही श्लोक को ध्यान वहां पर बताए भुक्ति मुक्ति स्प्रिया, उन्होंने भुक्ति मुक्ति को उन्होंने नहीं बताया, उसका जो स्प्रिया मतलब इच्छा है ये पिशाच के बराबर है। हाँ जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर तो भूत किसको लगता है नहीं, हमारे भारत में भूत लगता है, इसलिए अब देखना जिसको कोई भूत लग जाए ना वो एक एक आदमी वो दस दस बीस बीस आदमी का खाना खा लेगा, लेकिन उसका जो शरीर है ना दुबला पतला रहेगा, खाएगा दस पंद्रह बीस आदमी का लेकिन शरीर में दुबला पतला। बोले क्यों, बोले वो जो खाना खा रहा है वो कौन खाना खा रहे हैं, भूत खा रहे हैं, ये नहीं खा रहा है, एक व्यक्ति दस बीस आदमी का थोड़ी खाना खा जाएगा, उसके अंदर जो भूत है वो सब चीज को खा रहा है, हैं? उसी तरह अगर हम भक्ति कर रहे हैं हमारे हृदय में भुक्ति और मुक्ति, हाँ भोग और मुक्ति की इच्छा रहे तो हम जो भक्ति कर रहे हैं ना कभी ये हमको नहीं मिलेगा, वो जो भुक्ति मुक्ति जो हृदय में बैठा हुआ वो सबके सबको ले जाएगा। इसलिए भुक्ति मुक्ति से हमें दूर रह करके केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कितने कोटेशन दे करके श्लोकों का उद्धृत करके उनका सारे सिद्धांत उन्होंने खनन कर दिया। उन्होंने देखा भैया ये छोटा बच्चा ये कितना बुद्धि रखता है, हैं? फिर उन्होंने आए बल्लभाचार्य आ करके रूप गोस्वामी को बोले, बोले तेरे पास में जो छोटा बच्चा बैठा हुआ था वो कौन है, बोले मेरे चेला है, बोले मेरे भाई का भी बेटा है, बोले बड़ा दिमागदार है, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, हाँ ये तो बड़ा बुद्धिमान है। इसको फिर रूप गोस्वामी समझ गए, बोले भैया ये जरूर कोई खुरा बात किया है, कुछ उल्टा सीधा किया, नहीं तो क्यों बोलते हैं। इतने में रूप गोस्वामी पूछे तुमने क्या किया, बोले आपका लेखनी में उन्होंने दोष दिखाया, हाँ इसलिए मैंने जाकर बोले नहीं हमारे गुरु जी का लेखनी में कोई दोष नहीं है, इसलिए मैंने उनका खंडन किया। इतने में रूप गोस्वामी को क्रोध आ गया, हाँ बोले देखो हर व्यक्ति को सम्मान देनी चाहिए, हाँ हर व्यक्ति को सम्मान देनी चाहिए, वो सम्मान चाहते थे, सम्मान देने में क्या हो गया, एक वैष्णव है, बोले इतने चीज उनकी सहन नहीं, बोले चले जाओ यहाँ से, उन्होंने निकाल दिया जीव गोस्वामी को। वहां जब उनको निकाल दिया जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी बड़े दुखी हुए, दुखी होकर के भय गांव एक है ब्रज में, उन्होंने वहीं पर जाकर के रहे, गुरु जी से मेरे गुरु जी ने वहां से मेरे को निकाल दिया, बड़े दुखी। किस किस में रहते थे, जो क्रोकोडाइल होता है ना मगरमच्छी, वो जो नदी किनारा में घर बना देता है वो उसी में जाकर के रहे और खाते थे, क्या गुरु जी ने निकाल दिया इसलिए खाते थे, जो राख है उसमें पानी में घोल करके उसको पी लेते थे, हाँ
और दिन रात वहीं पर बैठ कर, जो 60 संदर्भ सुने ना अभी, 6 संदर्भ वहीं बैठ बैठ कर लिखे, वहीं पर बैठ बैठ कर लिखे। जब सनातन गोस्वामी को ब्रज में सबसे बड़े संत मानते थे, जब सनातन गोस्वामी वहां पर गए तो वहां के लोग बोले, बोले बाबा अब तो ब्रज में सबसे बड़े बाबा हो आप, क्या बाबा है यहाँ तो और एक बहुत बड़ा बाबा आया है, बोले आप तो भिक्षा मांग करके हैं रोटी, भिक्षा मांग कर रोटी खाते हो, एक बाबा आया अगर भूख लगे ना और राख को पानी में घोल कर पी लेता है। सनातन गोस्वामी बोले भैया कौन साधु आया जो राख को घोल कर पी लेता है। तो श्री सनातन गोस्वामी वहां पर जब गए, देखा श्री जीव गोस्वामी है, जीव गोस्वामी, फिर उन्हें सारी बात को पूछे, फिर सारी बात जो पता चला, फिर जीव गोस्वामी को लेकर के आए लाए और रूप गोस्वामी को पूछा, बोले बताओ महाप्रभु का क्या शिक्षा है, महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया है। रूप गोस्वामी ने बोला जीव दया कृष्ण नाम, यही शिक्षा दिया। बोले जीव को पर दया करने के लिए बताया ना, बोले हाँ, बोले ये जीव क्या जीव नहीं है, तो इसको छोड़ दिया, ये जीव क्या जीव नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कभी उन्होंने याद किया था, जब ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ खत्म हो गया, वो सोच रहे थे अगर जीव गोस्वामी होता तो इसको करेक्ट न करते था, कभी उन्होंने याद किया था। फिर उन्होंने लो ये जीव को अपना चरण में रखो है, जीव को त्याग नहीं देना। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी को शासन करके फिर जीव गोस्वामी इनके शरण में आया है। इसलिए इनकी बहुत, इसमें बहुत सारी शिक्षा कीजिए, कभी यहाँ पर शिष्य को कैसे होनी चाहिए यहाँ पर शिक्षा दिया। शिष्य मतलब क्या है, बोले शिष्य मतलब होता है जो गुरु जी का शासन को स्वीकार करे, इसको कहते हैं शिष्य। ऐसे नहीं गुरु जी कोई चीज को शासन किया, बोले हमें कोई शासन किया, हम क्या कम जानते हैं, गुरुदेव हमें शासन किया है, हम क्या छोटे मोटे हैं, हम गुरु जी को शासन, बोले नहीं। शिष्य मतलब होता है गुरु जी का शासन को जो स्वीकार करे। देखो जीव गोस्वामी, उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, नियम है अगर मेरे सामने गुरु जी की कोई अपमान करे है, मेरे सामने गुरु जी कोई अपमान करे, शास्त्र में बताया उसका जीवा काट देनी चाहिए, शास्त्र में उसको निर्देश दिया उसको जीवा काट दो। बोले मेरे सामने गुरु जी का निंदा, गुरु जी का निंदा सुनने पर हृदय से भगवत भक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए नियम है उसका जीवा काटने का। इसलिए जीवा दो तरह से काटते हैं, एक तो शास्त्र चुक्ति को द्वारा, बोले नहीं हमारे गुरु जी कभी गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी ने क्या किया, जाकर के शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ करके उन्होंने उनका सारे सिद्धांत गलत रूप में स्थापन किया, कहते ये कि जीवा काटनी है और साक्षात रूप में काटना अगर संभव नहीं तो शास्त्र तर्क को द्वारा उनकी जीवा का स्तब्धीभूत कर दो, ये नियम है शिष्य का। इसलिए ये एक शिष्य है, शिष्य कभी भी गुरु जी की अपमान को, निंदा को कभी भी सहन नहीं कर सकता है, अगर सहन कर लिया तो समझा तुम्हारी भक्ति गई, तुम्हारी गुरु जी का प्रति तुम्हारी निष्ठा ही नहीं रहेगी, अगर निष्ठा नहीं रहेगी तो तुम कभी भजन ही नहीं कर सकते हो। इसलिए जीव गोस्वामी ने जो काम किया है उन्हें सही काम किया है, सही गलत नहीं किया। लेकिन रूप गोस्वामी इधर शिक्षा देते हैं, गुरु जी होने का नाते वो शिक्षा देते हैं, हर वैष्णव को सम्मान देनी चाहिए, जो सम्मान के भूखे हैं उनको सम्मान ऊपर ऊपर से दे दो, वो सम्मान चाह रहे ना। इसलिए कभी जीव गोस्वामी के पास में एक बहुत बड़े विद्वान आए, सारा दुनिया को जय करते करते, बोले अगर जीव गोस्वामी को परास्त कर दिया तो फिर मेरी सारी दुनिया जयकार हो जाएगा। लेकिन जीव गोस्वामी उनको बिना तर्क से उन्होंने जय पत्र लिख कर दे दिया, बोले जय जय लो, हम तो महाप्रभु का धर्म में त्रिनाद पिशु नीचे न तर न अमानी नंगमान दे न कीर्तन ये सदारी, हम तो महाप्रभु का कीर्तन धर्म को प्रचार के त्रिनाद भी धर्म के लोग जय पत्र तुम ले लो, उनको दे दिया। इसलिए जीव गोस्वामी ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी ने ये सब काम किए हैं। बोले श्री जीव गोस्वामी की, बोले श्री विलास मंजरी की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरी की जय। थोड़ी सी बामन देव का कथा सुन लेते हैं, बोले श्री बामन भगवान की, कहते आज श्री बामन देव का भी जन्मतिथि है। इसलिए श्री बामन देव कहते ये देवता और दैत्य में अक्सर करके लड़ाई होती थी, अगर देवता अगर मर जाए वो तो पूरा मर जाते हैं,
अगर दैत्य अगर मर जाते हैं ना, इनका गुरु शुक्राचार्य इनको एक मंत्र बता, जिस मंत्र का नाम है संजीवनी। हाँ, संजीवनी, मृत संजीवनी, संजीवनी मंत्र बता है। इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो चेला कोई मर जाए ना, वो मंत्र से फिर दो बार जिला देते हैं। अभी देवता लोग परेशानी, बोले भैया हम मरे तो मर जाए, ये दैत्य लोग मरे तो इनको गुरु जी उनको जिला देते। इसलिए एक दिन देवताओं ने भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी बताओ हम अमर कैसे बनेंगे। बोले देखो बेटे, ये समुद्र मंथन करो लेकिन अकेले नहीं कर सकते हो, देवता दैत्य तुम दोनों मिलकर करो, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ी है। इसलिए वासुकि नाग को रजू बना दो और श्री हाँ और मंदराचल पर्वत को रई बनाओ, दोनों मिल करके समुद्र मंथन करो। तो उन्होंने मंदराचल पर्वत इतना बड़ा था, देवता लोग लाए तो ला नहीं पाए, बीच में गिरा तो कितने दैत्य पीस गए, कितना देवता मर गए। फिर भगवान से प्रार्थना किया, फिर भगवान हरि अवतार लेकर के ये मंदराचल पर्वत गरुड़ को पीठ पर रखे, फिर ला करके फिर मंथन हुआ। मंथन से सबसे पहले हलाहल पीस निकला, फिर जहर को कौन पान करेगा। फिर श्री शंकर जी को पास में गए, बोले प्रभु ये जहर निकला सबको क्या कौन पान कर सकते हैं। माता पार्वती बोले प्रभु आप तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये देवता के ऊपर विपत्ति पड़ी है, जा प्रभु ये काम आप ही कर सकते हो। देखो भोले बाबा इतने समर्थ है, टन के टन उन्होंने हलाहल जहर को टन के टन उन्होंने इसको पान कर लिया। और कहां पर रखा, बोले गले में धारण कर लिया, गले में धारण किया। देखो गले में धारण कर दिया तो गला क्या हो गया, नील रंग हो गया। इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। हैं, बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय, इसलिए उनका नीलकंठ नाम पड़ गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई गंदी चीज हो उसको मुंह में मत रखा करो, मुंह में रखोगे झगड़ा होगा। कोई गंदी चीज अगर मुंह में रखोगे फिर किसको बोलोगे क्या होगा, आपस में ये लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए किसी गंदी चीज को मुंह में मत रखा करो, और किसी चीज को दिल में भी मत ले जाया करो। कोई गंदी चीज को अगर दिल में ले जाए कि फिर हृदय भी कलुषित हो जाता है, हृदय भी अपवित्र हो जाती है। अगर कोई गंदी चीज हो फिर कहाँ रखो, बोले कंठ में रखो। शंकर जी सिखा देते वो चीज को कंठ में रखो। और जहर है अगर दिल में जाएगा, कुल मेरे प्रभु बैठे हुए, मेरे प्रभु बैठे हुए, फिर प्रभु कष्ट होगा। इसलिए शंकर जी गले में धारण कर लिया। देखो अगर एक बुद्ध अगर जहर कोई पान कर लेना क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन शंकर जी इतने समर्थ है, टन की टन उन्होंने जहर को उन्होंने गले में उन्होंने धारण कर लिया शंकर जी। हाँ, और बल्कि उनको मृत्यु तो छोड़ दो, इनको शोभा हो गया, नीलकंठ है ना, कर्पूर गौरव कहते शंकर जी का रूप है, एकदम कर्पूर जैसे एकदम सफेद रंग के गौर रंग के, लेकिन ये गले में जो नील हो गया इनका शोभा बढ़ गई। उनको बुरा नहीं हुआ, बल्कि उनको सिखा दे, जो समर्थ मान व्यक्ति है वो कोई भी चीज को ग्रहण करके हजम कर सकते हैं, लेकिन जो असमर्थ व्यक्ति फिर तो कोई चीज को हजम करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए अभी फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुई, उसमें कुचेश्वर अश्व निकला जिसको बलि महाराज ले गए, जिसको ऐरावत हस्त निकला जिसको श्री इंद्र ने ले लिया, फिर उसमें कौस्तव मणि निकली जिसको भगवान, ये कौस्तव मणि को भगवान अपना कंठे में धारण कर लिया। बड़े दीप दीप कल्प वृक्ष निकला, जो कल्प वृक्ष को देवता स्वर्ग में देवता ने ले लिया। अभी ऐसे करते 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 वहां से निकली लक्ष्मी। बताओ लक्ष्मी हीरो किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी के लिए हम कितने कष्ट परिश्रम कर, लक्ष्मी तो सबको चाहिए। जब लक्ष्मी वहां निकली ना, सारे लोग तो लक्ष्मी के लिए लड़ाई झगड़ा कहते लक्ष्मी हमें चाहिए, लक्ष्मी हमें चाहिए। लक्ष्मी बोली नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं तो अपना मन मर्जी पति को मैं खुद चुनूंगी, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ। सब लाइन में खड़े हो गए, लक्ष्मी अपना हाथ में बरमाला ले ली, बरमाला लेकर के वो देख रही है मेरे पति कौन बन सकता है। और सबको पास में लक्ष्मी जाती है, लेकिन सबको अंदर में कुछ ना कुछ दोष दिखाई पड़ता, किसको अंदर में परिपूर्ण उन्होंने किसी को नहीं देखा, सबके अंदर में कुछ ना कुछ दोष था।
लेकिन जब नारायण को पास में पहुंची, देखा सर्वगुण संपन्न, अगर सबसे कोई सुंदर है तब नारायण है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उनमें भी एक दोष दिखा, नारायण में भी उन्होंने एक दोष देखा। बोले क्या दोष है? बोले मैं तो नारायण को चाह रही हूँ, लेकिन ये नारायण मुझे नहीं चाह रही। यही दोष है। मतलब मैं तो चाह रही हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं चाह रहे। फिर उन्होंने सोचे, बोले प्रभु का जरूरत तो मेरे है नहीं, क्योंकि भगवान को बताए वो पूर्ण मदहा पूर्णम पूर्ण सपूर्ण मुच्यते पूर्ण विभाव से, भगवान पूर्ण है, उनकी जरूरत नहीं, वो आत्माराम, वो आपका काम है, वो तो आपका में आत्मा में रमण करने वाले परिपूर्ण है भगवान, उनकी किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत मुझे जरूरत है, मेरी जरूरत है। हाँ, इसलिए इतने में माँ लक्ष्मी ने अपना वरमाला उन्होंने नारायण के गला में डाल दिया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, जोर से जयकार लगाओ, लक्ष्मी नारायण की शादी हुई है, क्योंकि लक्ष्मी का देखो इनकी जयकार दोगे ना फिर घर में तो माल आएगी, फिर लक्ष्मी की कृपा होगी, लक्ष्मी है ना, इनकी सारा दुनिया इनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, हाँ कितना काम करते हैं किसी लिए, लक्ष्मी के लिए ना। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, इसलिए अभी उनकी लक्ष्मी नारायण की शादी हो गई। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें धन्वंतरी ने ये अमृत कलश को लेकर निकलता है, अमृत के लिए तो लड़ाई कर रहे थे, अभी सारे दैत्य देवता एक साथ में लड़ पड़े, ये अमृत को कौन पान करेगा, अमृत को कौन पान करेगा, इसलिए अभी दोनों ही लड़ पड़े अमृत के लिए। इतने में दैत्य लोगों ने किया कि जोर जबरदस्त उन्होंने अमृत कलश को छीन लिया। भगवान ने देखा अगर ये दैत्य अमृत पी लेंगे फिर ये अमर हो जाएगा, अगर ये अमर हो गए फिर तो दुनिया के लिए बड़ा हानिकारक है, फिर तो सृष्टि रहेगा नहीं। इतने में भगवान महीन रूप धारण किए, जब उन्होंने महीन रूप धारण की, क्या सुंदर रूप है ठाकुर जी की, ये जगत में ऐसी स्त्री कभी होती नहीं, त्रिभुवन में ऐसी स्त्री नहीं होती, मतलब इतने सुंदर ये मोहिनी थी। ये जो आपस आपस में अमृत को खाने के लिए लड़ रहे थे ना, जब ये मोहिनी प्रकट हो गई लड़ाई बंद हो गई इनके अंदर में, ये सब लड़ाई बड़े बंद हो गई इनकी, उस सबके सब मोहिनी बोले भैया ये कौन है, कहाँ से आ गई इतने सुंदरी। इतने में दैत्य लोग ना उसको साथ में बात करने के लिए तो पागल हो गए, कोई जाकर के बोल रही है बोले सुंदरी तो कहाँ से आई हो, फिर दूसरे दैत्य धक्का मार के, देख तेरे को पूछना नहीं आता, बोले तेरे को पूछना नहीं आ रहा है, बोले सुंदरी ये बताओ तेरे पिता माता कौन है, दूसरा आकर धक्का है तेरे को पूछना नहीं आ रहा है, कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए वो आपस आपस में वो महीने को साथ में बात करने के लिए पागल हो गए सब के सब। इतने में मोहिनी ने बड़ी पतली पतली ओठ से बड़ी मीठी मीठी बोली हुई, बोले भैया ये तुम आपस आपस में लड़ रहे क्यों, बोले ये अमृत पाने के लिए, दैत्यों को बोले ये सब ये लोग कौन है, बोले ये हमारा भैया लगते हैं। तब दैत्यों ने कहा मोहिनी अमृत पियेंगे तो तेरी हाथ से पियेंगे, नहीं तो अमृत किसके हाथ में पियेंगे नहीं, बोले तुम्हारी हाथ से पियेंगे। इतने में बोले भैया मैं अनजान स्त्री हूँ, किसी अनजान स्त्री को विश्वास नहीं करनी चाहिए, मेरे को जानते नहीं विश्वास कैसे कर रहे हो, ठाकुर जी विश्वास दिलाना चाहते उनको द्वारा। बोले देखो मोहिनी पियेंगे तो तेरी हाथ से और किसके हाथ में पियेंगे नहीं, बोले देखो जब अमृत मुझे दे दोगे ना फिर मैं जो कुछ करूंगी फिर उसमें कोई बात नहीं करना, फिर बोले हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये अमृत कल से लो आपस में बांट दो, बोले दो लाइन करके बैठो। बोले देखो ये देवताओं को ऊपर ऊपर का जो पतला पतला है ना इनको पिला देती और अंदर में जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा हम दोनों एकांत में बैठ करके पिएंगे। बोले मोहिनी हमें ये अमृत जरूरत नहीं, अगर तू मिल गई हमें सब कुछ मिल जाएगा, मतलब इतने उनको प्रेम में पागल हो गए थे। इतने में उन्होंने देवताओं को अमृत पिला रहे थे, पिलाते समय केवल दैत्यों की तरफ से केवल टेढ़ी नजर से और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुराहट से देख रही थी, दैत्यों का तो अमृत का प्रति ध्यान ही नहीं, उनको ध्यान है मोहिनी की जो मुस्कुराहट है और जो तेरे से चितवन से देख रहे, तेरे से चितवन वो तीर थी, हाँ इनके हृदय को तीर चुभ रहा था, वो तो पूरा प्रेम में पागल हो गए थे ये दैत्य लोग।
उनने पिलाते पिलाते एक स्वर भानु नाम का दक्ष था, बोले भैया नया बंधु पता नहीं इसको विश्वास नहीं, ये क्या करे नहीं करे, इसको जानते नहीं, ऐसे नहीं ये देवता को पिलाते पिलाते पूरा तो पिला नहीं देंगे, फिर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। उसने आकर के चंद्र सूरज का बीच में बैठ गया। अब मोहिनी अमृत पिलाते पिलाते उन्होंने उनको भी दे दिया स्वर्भानु दत्त को। इतने में चंद्र सूरज ने इशारा किया, प्रभु ये देवता नहीं ये दैत्य है। इशारा किया तो झट भगवान चक्र को बुलाया और उसको गला काट दिया। एक राहु और एक केतु बन गए। चूंकि ये चंद्र सूर्य ने बता दिया था इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। हाँ ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता रहता है, हाँ? इसलिए भगवान ने अमृत पिलाते पिलाते सारे देवता को उन्होंने पिला दिया। जब खाली कलश रह गया ना उनको सामने फेंक करके देखते देखते तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। दैत्य लोगों ने देखा ये भगवान ये हरि ही ये सब काम किया, हाँ? ये मोहिनी रूप धारण करके अभी देवता लोग अमृत पी चुके तो अमर बन गए। अभी तो दोनों की इतने लड़ाई हुई, देवता लोग तो दैत्य को एक तरफ से केले का पेड़ जैसे काटते है ना एक तरह से उनको काटना शुरू किया। काटते काटते सारे दैत्य को समाप्त कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा ये दैत्य कुल खत्म नहीं हो जाए। फिर ब्रह्मा जी आकर के फिर लड़ाई को बंद किया। फिर शुक्राचार्य जी आए, गुरु जी आ गए, उनको संजीवनी मंत्र बता, फिर उन्होंने मंत्र से सबको जिला दिया दो बार। फिर इनका जो राजा बलि ने उसने बहुत बड़ा उसने के यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम था विश्वजीत महायज्ञ। वो यज्ञ से एक सुंदर रथ निकला जिसमें अस्त्र शस्त्र भरा हुआ है और वो रथ के ऊपर कोई बैठ कर युद्ध करेगा तो कोई उसको हरा नहीं सकते हैं। और स्वयं प्रहलाद महाराज आकर के उन्होंने नरसिंह देव का प्रसाद माला दिया बलि महाराज को। अभी उन्होंने ताकत पा करके अपना गुरु जी के आशीर्वाद को लेकर के फिर उन्होंने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई किया। जब उन्होंने शंख बजाए सारे देवता डर गए, बोले भैया ये दोबारा कैसे ताकत मिल गया। गुरु जी के पास में गए बृहस्पति से। बृहस्पति ने कहा देखो अभी उसने यज्ञ किया है, ब्राह्मणों की सेवा की, नरसिंह देव का प्रसाद माला पहना है, अगर तू युद्ध करोगे ना जीत नहीं सकते, तुम्हारी भलाई इसी में इस स्वर्ग राज्य छोड़कर तुम भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने पूरा स्वर्ग राज्य को छोड़कर भाग गए और बलि महाराज जाकर के पूरा सिंहासन में पूरा जाकर के उन्होंने पूरा बैठ गए। बैठ करके उन्होंने अपना आधिपत्य का विस्तार की। अभी देवता को जो माँ थी अदिति बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कश्यप जी से पूछे मेरे बच्चों को ये स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा, मेरे बच्चे तो दूर हो गए स्वर्ग राज्य से। बोले देखो एक काम करो, ये 12 दिन का एक व्रत है जिसको पयोव्रत कहते हैं, केवल दूध पी पी करके तुम भगवान को सुंदर खीर ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा करके और साधारण बिस्तरा में सो और साधारण भोजन करो और ठाकुर जी की विष्णु जी की उपासना करो। फिर ठाकुर जी वामन अवतार जब बन करके आएंगे फिर स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे। फिर उन्होंने ऐसे व्रत की तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के एकदम दिन दोपहर में भगवान वामन रूप में ठाकुर जी अवतरण होते हैं। बोले श्री भगवान वामन देव की। जब वामन देव प्रकट हुए सारे देवता गंधर्व ठाकुर जी प्रकट हुए ना, ठाकुर वैसे थोड़ी प्रकट होते हैं, सारा दुनिया प्रसन्न हो गए, फल फूल से लद गया, सारे नदियां की धारा बह रही है, सभी का हृदय में दिव्य आनंद अप्सर अप्सरिया नृत्य कर रहे हैं, बाजा गान बज रहे हैं, सबके सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट स्वयं भगवान प्रकट हुए वामन अवतार रूप में। क्या उनका अद्भुत रूप था, देखने में तो बौना सा छोटा सा है लेकिन अद्भुत रूप है। सारे देवता लोग आए, हाँ किसने उनको खड़ा दिया, किसने छत्री दिए, किसने कमंडल दी, मैया ने कौपिन दी, किसने उनकी जूता दी, किसने उनको भिक्षा पात्र, कुबेर ने भिक्षा पात्र दी, अलग अलग देवता ने अलग अलग वस्तु दिया। नियम है अभी बृहस्पति ने उनको उपनयन संस्कार कराया जनेऊ संस्कार। नियम जनेऊ संस्कार होने का बाद नियम है बच्चे को भिक्षा करने जानी चाहिए, गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए, हाँ? अभी गुरु जी को दक्षिणा देंगे, बोले गुरु जी बताओ क्या दक्षिणा, बोले भैया मेरे को छोटे मोटे दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरे को तो स्वर्ग राज्य मांग करके लाओ, स्वर्ग राज्य मेरे को भिक्षा भी चाहिए। बोले स्वर्ग राज्य कहाँ से लाएंगे, बोले देखो नर्मदा नदी
भृगु कश्य नाम का स्थान है, वहां पर श्री बलि महाराज रोज राज यज्ञ करते हैं। और यज्ञ को बाद में जो ब्राह्मण जाए, जो मांगे, सब कुछ उनकी इच्छा पूरी करते, तुम वहां जाओ जाकर के और वहां संकल्प करा करके स्वर्ग राज्य मांगो, किसी को कोई चीज मना नहीं करते हैं। फिर तो भगवान वामन देव जाकर पहुंचे बलि महाराज का दरबार पर, क्या सुंदर रूप ठाकुर जी की, जब उन्होंने अंदर में राजमहल में प्रवेश किया ना, बलि महाराज तो यज्ञ कर रहे थे, उनको प्रवेश होते ही लग रहा था पूरा प्रवेश किया तो पूरा राजमहल उजला उजला हो गया। बोले भैया ये कौन है, कोई अग्नि ना स्वयं सूर्य देवता ना ये चतुसन, कौन है ये, क्या छटा उसकी, क्या शोभा, क्या सुंदर ब्राह्मण। उन्हें सबके सब खड़े हो गए और भगवान को अपना सिंहासन में बैठाए, उनका चरण में बैठी गए, उनका चरण धोए, उनका चरणामृत लिया और पूरा शांति वाहक रूप में छिड़काव कराया। आज मेरे जीवन धन्य हो गया, क्या ब्राह्मण मेरे घर में आए, मेरे घर पवित्र हो गया। बड़े प्रसन्न हो गए, होकर के बोले बेटा बता क्या चाहते हो। भगवान वामन देव बोले आपको किसे पता चला तुम्हें मांगने के लिए आया हूँ। बोले आपका जो ये बेस है ना, ये ब्राह्मण का बेस है, ये ब्राह्मण भिक्षा मांगने ही आते हैं, इसलिए बता आपको चाहिए क्या, सोना दाना राज्य हाँ? क्या चाहिए आपको, अगर शादी करना चाहते हो आप, जैसे बहुना है ना, ऐसे के बहुना स्त्री भी मैं ढूंढ करके शादी करवा दूंगा, इसलिए आप जो चाहोगे आपका हम सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए आप मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बोले देखो मैं तो आपसे मांगूंगा लेकिन पहले संकल्प करो, उसको बाद में फिर मैं मांगूंगा। अभी वो संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य तो यज्ञ में सुहासपा कर रहा था, किसी ने जाकर के बोल दिया, बोले तू यहाँ यज्ञ कर रहे हो, तेरे जो चेले हैं ना लुटे जा रहे हैं, तेरे चेले लुटे जा रहे हैं, तू यहाँ यज्ञ में बड़े भी हो हा? तेरे चेले लुटे जा रहा है। बोले मतलब, बोले वो जाकर के देखो क्या हो रहा है। वहां पर शुक्राचार्य साधारण थे नहीं, वो सब जानता है, वो आकर के देखा भगवान स्वयं ये वामन बन करके आए और ये तीन पांच जमीन नहीं, ये त्रिभुवन राज्य को ले जाएगा। बोले अगर चेला का सब चला गया फिर गुरु जी को क्या मिलेगा, इसलिए शुक्राचार्य बोले बलि सावधान, बोले जानते हो ये कौन है, बोले कौन है, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, तुमको अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी ये अभी मोहन बन करके आया है, ये तीन पग जमीन नहीं ये त्रिभुवन राज्य ले जाएगा। ऐसे ऐसे दान को दान नहीं माना जाता जो सबके सब लूट जाए। अरे तुम्हारे घर संसार है कि नहीं, बीवी बच्चे है कि नहीं, दुनिया है कि नहीं, ऐसे दान दे दो सब कुछ चला गया फिर तुम संसार कैसे चलाओगे, ये दान को दान नहीं मानी जाती है, खबरदार दान भान मत देना इसको। जब बलि महाराज ने सुना ये बात को, बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, क्योंकि आप स्वयं कह रहे ये कौन है, बोले भगवान है ठाकुर जी, ये है ठाकुर जी, सारा दुनिया तो उन्हीं की, और वो दान मांगने के लिए मेरे दरवाजा पर ठाकुर जी आए, बोले भगवान मेरे दरवाजा पर झोली पिलाए, ऐसे सौभाग्य किसी को होगा जो कि भगवान मेरे पास में आकर के भीख मांगे। बोले नहीं नहीं मत दिया करो, मना कर दो हाँ? तब शुक्राचार्य समझाए, बोले देखो, बोले मैंने एक बार बोल कर मना कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बोला जो कुछ मांगो दूंगा, फिर मना कैसे कर सकता हूँ। तब शुक्राचार्य ने कहा देखो ऐसे कुछ स्थान है, अगर तुम झूठ भी बोल दिया ना उसको पाप नहीं मानी जाती है। बोले कहाँ कहाँ पर, बोले जैसे स्त्री को साथ में हसीद ले करते हुए, स्त्री अगर बोलती मेरे लिए ऐसे गहना ला दो, मेरे लिए ऐसे साड़ी ला दो, मेरे लिए ऐसे अलंकार ला दो, कभी पति उसके मन को खुश करने के लिए बोले तेरे लिए बहुत बढ़िया अलंकार ला दूंगा, बढ़िया साड़ी ला दूंगा, तेरे लिए ये ला दूंगा, तेरे लिए ये ला दूंगा, कभी पति हाँ पत्नी को समझाने के लिए कभी कभी हंसी दिलक में कभी कभी बात बोल देती है। कहते अगर पत्नी को साथ में हंसी दिले करते अगर कोई बोल दे, कहते कहते उसको फिर वो बात को झूठा नहीं मानी जाती, क्योंकि पति को खुश करना था हाँ। ये बात पर अगर कोई नहीं तो तुम्हारी कहीं शादी हो रही है हाँ? शादी में कभी कभी हमारे भारत में होता है ना दहेज बहुत कुछ देना पड़ता है,
ये दहेज बहुत कुछ देना, डायरी बहुत कुछ देना पड़ता है। अगर वहां पर अगर बेटी की शादी के लिए हाँ ये दूंगा तुम्हारे लिए, बहुत कुछ दे दूंगा तुम्हें, ये दूंगा चिंता मत करो सर, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है अगर पूरा नहीं दे पाए, कुछ देर तक पूरा नहीं दे पाए, अगर वहां पर भी अगर कोई झूठ बोल दे उसको भी कोई बुरा नहीं माना जाती। तीसरे स्थान पर अगर कभी तुमने झूठ बोल दिए हैं, बोले कहां पर, बोले हंसी दिल्ले के समय में, हंसी दिल्ले करते करते कभी तुमने झूठ बोल दिया, बोले उसको भी नहीं मानी जाती है, हाँ? अगर उसको भी पाप नहीं मानी जाती है। इसलिए वहां पर उन्होंने 5-6 जगह ऐसे बताए जहां पर झूठ भी बोल दो उसको झूठ नहीं मानी जाती है, हाँ? इतने में बलि महाराज चिंताएं पड़ गई, बोले भैया ये तो ठाकुर साक्षात झूठ, ये संसार के लिए झूठ है, हाँ? संसार के लिए ठाकुर जी आए, भगवान स्वयं भीख मांगने के लिए आए, एक दिन तो राज्य जाएगा ही, हाँ? लेकिन ठाकुर जी को साथ में कैसे झूठ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। बोले नहीं मैं तो जरूर दान दूंगा ही इनको, बोले मेरे आदेश पालन नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले मैं तेरे गुरु है ना, मैं तेरे गुरु है इसलिए मेरे आदेश पालन नहीं करोगे, नहीं करता हूँ। फिर उन्होंने बोले अभिशाप दे दिया, बोले क्या श्री भ्रष्ट हो जा, श्री से भ्रष्ट हो जाओगे तुम, तुम्हारा पास में लक्ष्मी नहीं रहेगा, बोले जो कुछ भले ही हो जाए लेकिन ठाकुर जी को मैं जरूर दान दूंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु जी को भी उन्होंने त्याग दे दिया। तो यहाँ पर कहते हैं गुरु जी को भी हम त्याग दे सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, तो बताए कद 3 स्थान पर हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं। जैसे भक्ति जगत में, जैसे हमने किसी को गुरु रूप में भक्ति जगत में वर्ण किया है, लेकिन कब हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं, मतलब पहला स्थिति में है अगर गुरु जी अपना धर्म को छोड़ करके, जैसे कि स्त्री को साथ में स्त्री संगी बन गए, स्त्री संगी बन गए एकदम पूरा, कद वहां पर गुरु जी को हम त्याग दे सकते हैं। दूसरे स्थान पर हम त्याग दे सकते हैं जैसे भक्ति मार्ग है, अगर भक्ति मार्ग ही छोड़ दिए कद वहां पर गुरु जी को हम त्याग दे सकते हैं। बोले तीसरे स्थान कहाँ गुरु जी को त्याग दे सकते हैं, अगर गुरु जी जैसे हमारी शुद्ध वैष्णव परंपरा है, लेकिन अगर ये परंपरा को छोड़ करके कोई असत परंपरा में चले गए, कोई सहजिया नहीं तो कोई सखी वखी, कोई असत परंपरा में चले गए, तब भी हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं। बोले 3 अवस्था में ये गुरु जी को हम त्याग दे सकते हैं। अगर गुरु जब अगर ऐसे नहीं शुद्ध वैष्णव धारा में है, भक्ति कर रहे हैं, अगर हम फिर गुरु जी को त्याग देते हैं, बोले बहुत बड़ा पाप है। इसलिए गुरु जी कहते थे गुरु ग्रहण पहले से ये सब चीज को सोच लो, ये सब चीज को पहले सोच लो, फिर गुरु जी करने का बाद फिर कोई गुरु रूप में ग्रहण करने के बाद फिर कोई चीज चिंता मत करो, फिर तो पूरा आंख बंद करके आदेश को पालन करो, क्योंकि गुरु जी का जो हम आदेश पालन नहीं करेंगे बहुत बड़ा अपराध मानी गई, बहुत बड़ा उसको पाप मानी गई, उससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता है, हाँ? इसलिए हमको, हाँ, इसलिए बताया जैसे शिक्षा गुरु रूप में, जैसे हमने कैसे दीक्षा लिया है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम शिक्षा गुरु ग्रहण कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया शिक्षा और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं, हम शिक्षा गुरु बना सकते, जैसे अवधूत ने 24 गुरु उन्होंने बनाए, लेकिन दीक्षा गुरु ने शिक्षा गुरु बनाए, 24 स्थान से उन्होंने शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए हम किसको शिक्षा गुरु ग्रहण करके उनसे भगवत भजन की हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं इसमें। इसलिए आज श्री शुक्राचार्य जी को उन्होंने त्याग दिया, बोले क्यों त्याग दी, कारण यही था त्याग देने का, इसने साक्षात भगवान को उन्होंने दान देने के लिए मना कर दिया। बोले गुरु जी का काम क्या है, बोले गुरु जी को कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरुवनम। गुरु उसे कहते हैं जो भगवान कण कण में जो व्याप्त है, भगवान कहते उनको जो दर्शन करा दे, ये गुरु जी का काम है, गुरु जी का काम ये है जो भगवत दर्शन करा दे। बोले साक्षात ठाकुर जी घर में आए, आप बता रहे हो ठाकुर जी को दान ही मत दो, कैसे गुरु हो तुम, इसलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने वहीं पर उन्होंने त्याग दिए। अभी उन्होंने संकल्प ग्रहण किया, जब उन्होंने संकल्प लिया वो तो भगवान साक्षात,
उन्होंने एक पग में पूरा उन्होंने भूर भूव मोह जना तप सत्यलोक तक उन्होंने माप लिया और दूसरे पग में अतल बीतल तलातल पाताल लोक तक माप लिया। बोले बलि तुम बता रहा था ऐसे दान दूंगा और कहीं तुम्हें झोली फैलाने का जरूरत नहीं, अरे बताओ तीसरे पग कहाँ रखूंगा। इतने में भगवान गरुड़ को बुलाया, बोले इसको नाग पास बंधन में बांध दो, क्योंकि इसने अपना वाक्य को उन्होंने रक्षा नहीं कर पाए, जो नाग पास बंधन में बांध दो। जब उन्होंने बांध दिया उनको, इतने में उनको जो पत्नी थी वो बड़ी बुद्धिमान बड़ी चतुर पत्नी सचमुच से भक्ति करने वाले पत्नी थी। इतने में पत्नी आकर के बोले, बोले ठाकुर का आपने किया दिया, कुछ तो दिया ही नहीं ठाकुर जी को, ये दुनिया ठाकुर जी के, ठाकुर जी दुनिया को ले लिया, आपने दिया दिया, जब तक तो खुद को खुद नहीं दे दोगे देना क्या हुआ है। इसलिए बोलो ठाकुर जी को अपना सिर पर चरण रखे। जब उन्होंने ये बात को बताया ना, बड़े खुश हुए हो गए, बोले भैया पत्नी तो ऐसे होनी चाहिए। पत्नी मतलब क्या है, प मतलब पतन, ती मतलब पति को जो पतन होने नहीं दे, पत्नी हर समय पति को बचाए, ये पत्नी का धर्म है। बोले भैया तुम सही सचमुच से पत्नी हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर उपयुक्त तुमने बुद्धि प्रदान की। इतने बलि महाराज बोले, बोले प्रभु ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा है। बोले दानी बड़ा, बोले आप तो अभी केवल दानी लिए, दान तो लिए, अभी तो दानी को दानी स्वयं अभी बाकी है, अभी तो मेरे को लिए ही नहीं, केवल दानी दान ले लिया आपने, अभी तो दानी मेरे को ग्रहण ही नहीं किया। बोले प्रभु बताओ, बोले बताओ कहाँ रखो, बोले प्रभु मेरे सिर पर रखो। इतने में भगवान जो तीसरे चरण भगवान निकाले और उन्होंने बलि महाराज का सिर पर रख दिया। जब सिर पर रखे सारे देवता देख देख बोले हे भगवान, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव नारद शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार चितपद, जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद वो भी तरसते हैं, लेकिन ठाकुर जी आज उसी चरणों को उन्होंने बलि महाराज का सिर पर रखे। देवता लोग प्रसन्न हो गए और उन्हें पुष्पों की बौछार किया है। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की, सबके सब जय जयकार किया उन्होंने। जब जय जयकार किया इतने में भगवान संतुष्ट हो गए, उनको आशीर्वाद दिए, बोले बेटा वर्मा हो तुम क्या चाहते हो। तो भगवान उनको एक सुतल राज्य दिया, इंद्रपद तो भगवान ने ले लिया, इंद्रपद को उन्होंने हाँ लेकर के उन्होंने दे दिया देवताओं को, लेकिन जो सुतल है पाताल में जो लोग उसको सुतल लोग कहते हैं, कहते स्वर्ग में जितने वैभव है, स्वर्ग में जितने संपत्ति है उससे कई गुण ज्यादा जो वैभव जो ऐश्वर्य, कहते नीचे लोग में सुतल लोग में। बोले प्रहलाद जाओ तेरे काम सुतल लोग दे रहा, यहाँ से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। बोले प्रभु मेरे को एक ही वर चाहिए, मैं जब घर से बाहर निकलू ना आपको दर्शन करते ही निकलू, जब घर में आऊ आपको दर्शन करते ही अंदर में आऊ, केवल इतनी मुझे तो चाहिए। मतलब क्या है, ठाकुर जी दरवाजा में बैठ रहे, ठाकुर जी दरबार बना दी, ठाकुर जी को दरबार दरवाजा में आप बैठ रही है, जब अंदर में आओगे दर्शन करते आओ, जाते समय दर्शन करते। और उसको प्रेम में ठाकुर जी इतने बसीभूत हो गए, दरबार बनकर बैठ गए, ठाकुर जी दरबार बन गए। जब दरबार बन गए, अभी भगवान दरबार बन गए, एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, वहां पर देखा नारायण है नहीं, केवल अकेली लक्ष्मी। बोले माता जी प्रभु जी कहाँ है। बोले पता नहीं, प्रभु तो कहीं गए अभी तक आए नहीं। नारद जी ने कहा आपको पता है प्रभु जी क्या कर रहे हैं। बोले क्या। बोले उन्होंने विदेश में नौकरी ढूंढ लिया है। बोले विदेश में नौकरी ढूंढ लिया। बोले क्या नौकरी। बोले दरबार की। बोले दरबार की। बोले कहाँ पर दरबार बन गए। बोले बलि महाराज के दरबार बन गए। बोले हे भगवान। बोले ये तो छलने गए थे उनको, लेकिन ठगने गए थे, खुद ठग गए वहां पर, छलने के सब ठग गए। इतने में माँ लक्ष्मी फिर आती है, हाँ बलि महाराज के पास में माँ लक्ष्मी आती है। माँ लक्ष्मी आकर के वो स्वयं जहाँ पर दानी जो लोग बलि महाराज रोज दान देते हैं, जिसमें साधारण लोग खड़े होते हैं ना, लक्ष्मी अपना रूप बदला करके उसी लाइन में खड़ी रहती है। माँ लक्ष्मी की नंबर आई। बोले मांगो क्या चाहती है आपको।
बोले पहले आप संकल्प करो फिर मैं मांगूंगे। बोले भैया पहले एक संकल्प करने वाला आया था, पहले एक संकल्प करने वाला आया था, फिर तुम दूसरे संकल्प करने वाले कौन आ गई है, तुम दूसरे कौन आ गए। फिर इतने बोले नहीं संकल्प वगैरह में लेती नहीं, आप पहले संकल्प करो। पहले बलि महाराज संकल्प की, जब उनने संकल्प की बोले बताओ क्या चाहिए। बोले मेरे घर में तो सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज की कमी है। बोले किस चीज की। बोले मेरे घर में अच्छा कोई दरबार नहीं है। और मैंने देखा आपका एक बड़ा सुंदर दरबार में बैठा हुआ, कहती दरबार को मुझे दे दो। लक्ष्मी तो बलि महाराज तो समझ गए भैया ये तो साधारण नहीं है, ये दरबार क्यों मांग रहा है, भगवान क्यों मांग रहे हैं। तब बलि महाराज बोले माता जी पहले ये बता आप है कौन, पहले सही बता आप कौन है। देखते देखते माँ लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट होगी, लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। हाँ जब लक्ष्मी प्रकट होगी और समझ गए लक्ष्मी नारायण को लेने के लिए आए। इतने में बलि महाराज बोले देखो मैं तो ये दरबार को दे ही नहीं सकता। बोले प्रभु जी आप तो एक स्वरूप में यहाँ रहो, अब आप दूसरे स्वरूप में आप जाओ, आपको तो मैं छोड़ नहीं सकता। इतने में भगवान एक स्वरूप में वहां पर रहे और दूसरे स्वरूप में देखो भगवान भक्तों का प्रेम में कितने बसीभूत होते हैं। बोलना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान भक्तों का प्रेम में कितने भगवान बसीभूत हो गए, कितने बसीभूत हो गए। इतने में बलि महाराज भगवान का हाथ बुलाए, वामन देव का हाथ ला करके उन्होंने लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। देखो किसको दान दे रहे हैं, लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड जिसको पास में हाथ फिराती, विश्व ब्रह्मांड माँ लक्ष्मी के बगैर सब दरिद्र है, सारा दुनिया लक्ष्मी को हाथ में। हम कितने परिश्रम करते लक्ष्मी के लिए, क्या क्या तपस्या करते लक्ष्मी की कृपा हो, आज लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। बोले क्या दान दे रहे हैं, बोले छोटे मोटे चीज नहीं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनको दान दे रहे हैं। बोले किसको दे रहे हैं, बोले लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। मतलब बलि महाराज से दानी जगत में कोई नहीं जो लक्ष्मी को भगवान को दान दिया। मतलब भगवान भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कितने बसीभूत हो जाते हैं। इसलिए आज ऐसे जो भगवान जो वामन अवतार है, भगवान आज वामन अवतार का जी जन्म तिथि है, इसलिए हम सबके सब श्री वामन भगवान को प्रणाम करते हैं। जैसे वो प्रेम में बसीभूत हो गए थे, कभी ना कभी हमारे प्रेम में ठाकुर जी कहीं बसीभूत हो, और उन्होंने जैसे बलि महाराज के ऊपर कृपा की, कभी ठाकुर जी हमारा ऊपर भी भक्ति दे और हमें भी प्रेम प्रदान करे और हमें भी भक्ति जगत में बढ़ाए। ठीक है, बोले श्री वामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की जय। जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हाँ अभी ठाकुर जी को अभिषेक करना, प्रभु जी वो दीदी कहाँ गई, हरे कृष्णा वो बोल रहे थे ठाकुर जी वामन देव का कि अभिषेक करने के लिए बोले थे, कर देते थे ठीक, आ जाओ, क्या ठाकुर को अभिषेक करना है, फटाफट लाओ रेडी सारी चीज। हाँ अभी तो कीर्तन करो, ठाकुर जी अभिषेक करते थे। और यहाँ पर प्रभु जी जो ठाकुर अब भी आ जाओ, thank you.
Jai Jagadish Hare, 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 Jai Jag
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सवधीता भल तर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जमिधे अहसुति जाता सदय हृदय दर्शित पशुघाता, केशव गीता भूत शरीरा, बोध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव गीता बोध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भूमि चलि वहनि धने कलयसि करवाना, घूमके तो पीव की मपी करा, चलि वहनि धने कलयसि करवाना, केशव गीता कल की शरीरा, केशव गीता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव गीता कल की शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय देव कवे इदं उदित उदारं, सिनु सुपदं सुभदं भवसारं, जय देव कवे इदं उदित उदारं, सिनु सुपदं सुभदं भवसारं। केशव गीता दशविध रूपा, केशव गीता दशविध रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव गीता दशविध रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हो केशव गीता विहीन शरीरा, हो केशव गीता विहीन शरीरा, हो केशव गीता पूर्व शरीरा, हो केशव गीता सुकर रूपा, हो केशव गीता नरहरि रूपा, हो केशव गीता वामन रूपा, केशव गीता वामन रूपा, केशव गीता वामन रूपा। जय वामन देव, जय वामन देव, वामन देव, जय वामन देव, जय वामन देव, जय वामन देव, वामन जय वामन देव, जय वामन देव, वामन देव, जय 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 वामन देव। हरि बोल, 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 हरि बोल,
हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण की बा जया जया गोरा चंदीर आरती को शोभा किवा जया जानवी तटवनी जग मन लोभा जानवी तटवनी जग मन लोभा जग जनी मन लोभा जग जनी मन लोभा गौरंग रति शोभा जग जनी मन लोभा रंग रति शोभा जग जनी मन लोभा गौरा तेरा रति शोभा जग मान लो भाई गौरा तेरा गौर जन को भाई जगा जगे मान लो भाई गौर हरि बोल 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 सखी ने नीताई जान बाबी का दादा बाबी का दादा पीता तेरा बोली का तेरा द्वैता वास्त्र धारा से आदि देव रति करे देवगनिया रति करे गौरा तेरा
जय जय राधा रमण हरि बोल जय
jai jai radha raman hari bol 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 jai jai radha raman 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 hari bol hari krishna hari krishna 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 hari hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari bol 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 Hari 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 bol Hari 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 bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari bol Hari 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 bol 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 Hari 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 Jai Shakti Nandana, Jai Gaurahari. Jai Shakti Nandana, Jai Gaurahari. Jai Shakti Nandana, Jai Gaurahari. Gaur Nityananda Bol Hari Bol Hari Bol. 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 Hare Krishna, Hare Krishna,
Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bala Bala Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol 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 Hari Hari Bol 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 Hari 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 Bol 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 Krishna Govinda Krishna Govinda Krishna Govinda Krishna Govinda Krishna Govinda Govinda Gopal Nandana 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 Girivar Dhari Madan Gopal Girivar Dhari Madan Gopal Girivar Dhari Pranandala Bol Girivar Dhari Madan Gopal Krishna Govinda 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 Govinda Gopal Nandana 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 Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol Vrindavanami Radhe Radhe Vrindavanami Radhe 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 Radhe
ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ರಾಯ ರಾಮನಂದ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮದ್ರಾದಿ ಗೌರವ ಆಶ್ರಿತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ನರ್ತಮ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭುತ್ರಯ ವಿಜಯ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ವಿಜಯ ಭಕ್ತವಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ವಿಜಯ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಜೀವ ವಿಜಯ ಚರಿಧಾಮಚಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಗರುಡದೇವ್ ವಿಜಯ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ವಿಜಯ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನ ಕರ್ಣ ಶ್ರೀ ದೇವ್ ವಿಜಯ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವೃತ ಗಿರಿರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ ವಿಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೀ ಪ್ರತಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ವಿಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಬಾಮನ ಪಾದಸ್ ವಿಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ಬುಲ ಹಲಾಡ್ ವಾಸಿ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ಸಮಾಗತ ಗೌರವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ಗೌರವ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋಲ್ ಬೃಂದಾಯ ತುಳಸಿ ಪ್ರಿಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬ್ರಹದೇವಿ ಸತ್ತವತಿ ನೋನು ವಂಚಾಕ್ಲಬ್ಧ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಕ್ತಿ ವಿನಂತ ಸಿಗಿನ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.